Hello, hello. स्टार्ट करें वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों थैंक यू सो मच आपने यहाँ पे इस बार वी स्मार्ट एकेडमी को आपने प्रीफर किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लास में भी बैठे हैं और ऑनलाइन uh, स्टूडेंट्स भी यहाँ कनेक्टेड है सभी को थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू वी स्मार्ट ओके दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा आज आपका फर्स्ट डे है जोश है हाउ इज़ द जोश तो यहाँ पे जैसे आपने फाउंडेशन में जोश रखा या यह यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से आए हैं और बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं सेवेंटी एटी परसेंट तो मैं उनको यही कहूँगा कि ऐसा ही जोश आप सी ए इंटर में रखिएगा और आपको सभी को फर्स्ट अटेम में ही पास होना है तो यस आपका क्लास आज स्टार्ट होने वाला है और वो लेने वाले हैं सी ए शुभम सिंगल सर जो सी ए फाइनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक फोर रह चुके हैं मेरे भी स्टूडेंट थे <laughs> तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यस yes, आपको वी स्मार्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग मिलेगी आ, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बेस्ट क्वालिटी टीचिंग क्लास तो हम बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे उसके साथ साथ क्लास के बाद का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छे से दिया जाएगा क्योंकि हाँ मैं बहुत सी बार अपने क्लास में कहता हूँ कि यस कोई है जो तुम्हारा ध्यान रख रहा है और वो है वी स्मार्ट तो वी स्मार्ट में सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है सभी फ़ाइनल की फैकल्टीज़ है और वो इंटर लेवल पे भी पढ़ाती है तो यस आपको फाइनल का जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो आपको इंटर में भी ज़रूर मिलेगा और डेप्थ टीचिंग यहाँ पे उसके ऊपर फोकस किया जाएगा दोस्तों आज आपका पहला दिन है आज आप जब ये प्रिवाइस में आए होंगे तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं ओके okay, कोई पता ही नहीं चल रहा है लेकिन यस आप धीरे धीरे यूज हो जाओगे कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना आप बाहर से आए हो पुनः में फर्स्ट टाइम आए हो तो यस आपका रहने का खाने पीने का आपको पूरा अपना ध्यान रखना है और क्लास आपको डिसिप्लिन में करना है बेटा मैं आपको कहूँगा कि अगर यहाँ आप सारे क्लासेस डिसिप्लिन में करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गए क्लासेस और उसके साथ क्लास में दिया हुआ होमवर्क आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो वो आपको डिसिप्लिन में करना है और ये डिसिप्लिन आपको फर्स्ट डे से ही फॉलो करना है हां कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि आज ज्वाइन नहीं हो पाए, लेकिन किस डेमो यूट्यूब पे अवेलेबल है तो सारा जो है आ, पहला दस डेमोलेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और आप वहां से कर सकते हो यूट्यूब पे ये डेमोलेक्चर सेव रहेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दू कि यस यहाँ जो है आ, आपको साथ में नोटबुक रखना है नोट्स आपका अवेलेबल हो जाएगी ओके आपको डिस्ट्रीब्यूशन कल या परसों से सर स्टार्ट हो जाएगा ओके नोट्स का और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बता दूं कि आपको नोट्स आज से डिस्पैच होना चालू कर दिया है ओके आपको आने वाले सात से दस दिन में सारी नोट्स आ जाएगी और आपकी जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा लेक्चर के बीच में प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन और डाउट पूछ के जो रिदम होता है पढ़ाने का उसको डिस्टर्ब ना कीजिएगा आखिरी के दस मिनट फैकल्टी आपके सारे डाउट्स एंटरटेन करेगी और हमारी यहाँ 80 लोगों की टीम ऑनलाइन कनेक्टेड है तो आपके सारे डाउट्स वो एंटरटेन करेगी और जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है डाउट्स से ज़्यादा अपना ऑर्डर आईडी नंबर बस वो टाइप करके यूट्यूब पे डाल दीजिएगा मेरी टीम सब नोट डाउन कर रही है और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आपको मेरी टीम कॉल करेगी और कॉल बैक करके जो है आपके डाउट सॉल्व कर देगी पर मैं आप सबको बताऊँ आपके एटी डाउट जो है आने वाले सात आठ दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे तब तक तो डेमो चलेंगे हमारी फैकल्टी आपको कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहेगी और आ, बेटा फर्स्ट टाइम इंडिया में 2014 में हमने ये ओके ये वर्चुअल स्टार्ट किया था ओके विथ क्रोमा बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा और 10 साल का वी स्मार्ट को एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि आपको और इतने सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से बेस्ट सर्विस दिया जाए तो यस मैं फिर से कहता हूँ कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है तो यहाँ मैं ये कहूँगा आज की शुरुआत एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करते हैं एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा, हुआ, अच्छा, हुआ, अच्छा, हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा। आए हम, हम, हम कुछ अच्छा करने सो ऑल देश गाइस तो आग लगा दो फर्स्ट अटैप्ट में पास होना है ठीक है तो अब आपका फर्स्ट सेशन आग लगाने आ रहे हैं सीए शिवम सिंगल सर तो मैं यस yes, उनको माइक दे रहा हूं थैंक यू सो मच सर आपने बोला आग लगाने आ रहे हैं मेरे को वो वाला फील आया वो डांस आइटम नंबर होता है ना आग लगाने आ रही है चलो थैंक यू सो मच सर क्लास में है मेंलो हेलो 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 ऑल राइट गाइज तो शुरू करें शुरू करें तो हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल सबसे पहले आई एम सो सॉरी क्यों क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फेस टू फेस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था ये जो डेमो वाले बच्चे होते हैं ना डेमो देखेंगे हम एक दिन में आप क्या चमत्कार करोगे वो देखेंगे हम वो लोग साढ़े सात बजे आके बैठ गए और जो रजिस्टर करवा के बैठे थे बोले हमारा तो सीट फिक्स है वो बाद में आया और उनको क्लास बेचारों को वर्चुअल देखनी पड़ रही है सो एम सो सॉरी अबाउट दैट बट आई प्रॉमिस यू वी हैड प्लान अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन हमने उसके हिसाब से कैपेसिटी प्लान करी थी और हमारे लिए अच्छी बात है ये कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया पर जो लोग फेस टू फेस वाले और जो वर्चुअल देख रहे हैं सो so सॉरी आज जो क्लास 10:45 को खत्म खत्म होने वाली है वो बजे मैं करूंगा आप लोगों से आकर के वहां पे मिलूंगा दो या तीन दिन ये चलेगा उसके बाद हम वी स्मार्ट में आप लोगों को फेस टू फेस में अगर बैच सेटल हो जाएगी तो उसके बाद डेमो के ऑप्शन बंद हो जाएंगे एटलीस्ट फॉर लॉ ठीक है सो थैंक यू सो मच एंड वर्चुअल वाले बच्चों हाई तुमको मैं दिख रहा हूं तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोग अलग ही दुनिया में रहते हो भाई एक बच्चे को प्रॉब्लम है सर ऐप में लेक्चर नहीं चल रहा है तो बेटा यूट्यूब पे चल रहा है ना मतलब ऐप पे चलेगा तो ही देखोगे क्या सर ऐप में लाइव नहीं आ रहा है यहीं पे देखो दोस्तों शुरू के पांच लेक्चर जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे ही होने वाले हैं ऐप में नहीं होने वाले और उसके बाद सारे लेक्चर जो है ऐप पे शिफ्ट होने वाले हैं फेस टू तो फेस वाले बोलेंगे हमको इससे क्या ठीक है चलो दोस्तों ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सी इंटरमीडिएट कैसा लग रहा है तुमको सीए इंटर में आ करके पहले तो एक ही तरफ से बच्चे आते थे सीए फाउंडेशन क्लियर करो और उसके बाद आ जाओ अभी डायरेक्ट एंट्री तुम्हारे लिए ऑप्शन बन गया है कि भैया फाउंडेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं तीन साल रुकेंगे तो डायरेक्ट एंट्री का काम हो ही जाएगा <laughs> और उसके बाद तो एंट्री मिली जानी है सीए इंटरमीडिएट में अच्छा मैं एक बार अपनी क्लास समझना चाहता हूं मेरे को बताओ यहां पे हैंड्स रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री कितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आए हैं अरे हाथ उठाओ खाना खाके नहीं आए हो? नहीं सर नहीं खा के आए खिलाओगे क्या और 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 बस ठीक है अभी दूसरा क्वेश्चन है कितने बच्चे सीए फाउंडेशन से आए हो तो बाकी लोग हाथ उठा लेना पता चला ना इसमें उठाए ना उसमें उठाए मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किस कितने बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं चलो ठीक है तो सिग्निफिकेंट ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ मेरे को समझेगा कैसे तो ठीक है बहुत सारे बच्चे यानी कि 70 से 75 फाउंडेशन का है तो देखो बच्चे अगर सीए फाउंडेशन से इतनी क्राउड है ना तो हम लोग फिर फाउंडेशन का बेसिक्स करेंगे नहीं हम लोग सीधा एंट्री पे शुरू कर देंगे डायरेक्ट एंट्री वाले तुम अपना देख लो <laughs> अरे हंसो हसो हंसो मत वो लोग दिल पे ले लेंगे भाई मैं मजाक कर रहा हूं मेरी बात सुनो तुम लोगों के लिए सीए फाउंडेशन होगा फाउंडेशन पर मैं तुमको बताऊं सीए फाउंडेशन क्या है सीए फाउंडेशन फाउंडेशन वॉज जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट इट वॉज एन एंट्रेंस टेस्ट कि अब आप अगर सी ए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो मतलब तुम जाओ और अपने इंटर की पढ़ाई शुरू करो तो आप देखोगे जब आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में हर वो चीज बेसिक कवर करेंगे हमने जो तुमने फाउंडेशन में किया है जब तुम अकाउंट्स करोगे तो तुम उतनी ही जर्नल एंट्री समझोगे जितना तुम लोगों ने फाउंडेशन में किया है बिकॉज इंस्टीट्यूट भी ये मान के चलता है कि तुम लोगों ने फाउंडेशन नहीं किया है नहीं किया है ना बोले सर क्या ही करना था एग्जाम हॉल में जाना था टिक 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 जय माता दी बाद में अगर आ गया पचास तो ठीक है नहीं तो अगले अटेम्प्ट में फिर आ जाएंगे है कि नहीं वो बच्चे जो तीन सौ से ऊपर लाके बैठे हैं और जो क्लास मेरे से काउंसलिंग में मिले थे वो लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं बोले ऐसी बातें सर आपने तो रैंक का वादा किया था <laughs> सुनो मेरी बात सुनो सो गाई वेलकम टू सी इंटरमीडिएट इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी फॉर यू आई अश्योर यू दैट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी डिग्री कर रहे हो आप सी ए की डिग्री कर रहे हो ये वो डिग्री है जो आपके नाम के आगे सीए तो लगाती है साथ में साहब भी लगाती है कि जब आप जाकर के सीए बन जाओगे तो लोग आपको सिर्फ सीए नहीं बोलेंगे सीए साहब बोल करके झुक के सलाम भी मारेंगे ये मेरी गारंटी है शर्त इतनी है कि शिद्दत से पढ़ाई करके सीए की डिग्री सिर्फ नहीं लेनी है सीए बनना है सीए बनना मतलब क्या कल को जब तुम सीए बन जाओगे कोई आके तुमको टैक्स के बारे में पूछे तुमको पता होना चाहिए लॉ के बारे में पूछे तुमको पता होना चाहिए अकाउंट्स के बारे में ऐसा नहीं मैं पढ़ता हूं एग्जाम लिखता हूं फिर कंट्रोल ऑल डिलीट मार के सारी चीजें साफ कर देता हूं अगले एग्जाम की तैयारी करता हूं ऐसा वाला सीए बनने का नहीं अपने को सीए बनना है फॉर नॉलेज फॉर आर ओन फॉर आर ओन इंफॉर्मेशन और जब इतना सारा नॉलेज लेके निकलोगे तो लोग अपने आप ही सी ए साहब बोलेंगे सो वेलकम टू सी इंटरमीडिएट आई आई प्रोमिस यू दैट यू आर गोइंग टू लव दिस जर्नी देखो दोस्तों आज से अगले चार महीने की आपकी जर्नी ऐसी ही होने वाली है कम से कम चार महीने की क्योंकि उसके बाद आपके दो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो आप रिलेटिवली थोड़ा फ्री हो जाओगे पर आपके चार महीने की जर्नी ऐसी ही होने वाली है सुबह आठ बजे क्लास में बैठे या फिर घर में बैठ करके सुबह आठ बजे शुरू किया और शाम को साढ़े सात बजे तक कंप्यूटर के सामने या यहां पे हमारे सामने बैठ करके क्या कर रहे हो पढ़ाई इतनी पढ़ाई तो सर हमने जिंदगी में मिला के स्टैंडर्ड वन से लेकर टेन तक मिला के भी नहीं करी होगी है कि नहीं तो सर ये अचानक से कैसे होगा इतनी सारी पढ़ाई अचानक से हो जाएगी क्या हमसे हमको तो लगा नहीं होगी तो हमने बोला एक ग्रुप करेंगे हमको लगा हमसे नहीं होगी तो हमने डिसाइड किया एक ग्रुप, ग्रुप प्लस करेंगे और कुछ बच्चे जो उन्होंने डिसाइड किया बोध ग्रुप तो होगा कैसे सर ये ये कैसे होगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी अभी नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी है तुमको क्लास में बैठा के रखना तुम्हारा क्लास में मन लगा करके रखना अगले पंद्रह से बीस दिन किसकी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी उसके बाद अपने आप तुम्हारा रिदम बैठ जाएगा जब तुमको समझ आएगा कि भाई हम अभी तक जमा ही रहे हैं किसी बंदे ने पढ़ के हमसे आगे बढ़ गए तो तुम वो कंपटीशन मोड में जब आ जाओगे ना तो तुम अपने आप क्या करने लग जाओगे तुम पढ़ाई करने लग जाओगे शुरू के पंद्रह दिन किसकी जिम्मेदारी हमारी उसके बाद किसकी जिम्मेदारी तब भी हमारी पर उसमें आप भी इंक्लूड हो जाओगे तो तुम लोगों ने अभी क्या करना है सिर्फ एक ही चीज करनी है शिद्दत से सुबह उठ करके क्लास में आना है कम से कम तो भी मुंह धोके मिनिमम दैट्स ऑल आई आस्क फॉर ठीक है बाकी तुम्हारा बाजू वाला समझे जब तक मेरे से इतनी डिस्टेंस है मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होने वाली पर मू धोकर सुबह सवा आठ बजे क्लास में पहुंच जाना है और जो बच्चे डेमो के आए हैं मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ठीक है बड़े भाई की तरह बोलूंगा यू गाइज आर टू स्मॉल टू सेट एंड जज एनी फैकल्टी हु स्टैंडिंग ऑन द स्टेज राइट यू गाइज आर टू स्मॉल तुमको अभी इंटर का आई भी नहीं पता का लॉ एल भी नहीं पता ठीक है तो तुम लोगों को क्या लगता है पहले दिन डेमो में इंसान क्या करेगा बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं भाई देखिए जो होगा ये होगा हो वो होगा ऐसा होगा तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डेमो का नथिंग इज गोइंग टू चेंज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू आस्क इज क्या तुम्हारी वाइब मैच हो रही है क्या तुम्हारा वाइब मैच हो रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो तुमको समझ आ रहा है क्या हिंदी तुमको कनेक्ट हो रहा है इंग्लिश कनेक्ट हो रहा है इफ ये स्टॉप वॉचिंग डेमो बिकॉज यू आर डन यू हैव टू गेट स्टार्टेड नाउ तुम कोई भी फैकल्टी डिसाइड करो नहीं प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम नहीं है बट गेट स्टार्टेड बिकॉज इट इज हाई टाइम राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू अंडर स्टैंड एट फॉर योर एग्जाम्स कितने महीने बचे हैं सर आठ महीने यूजुअली कितना सुनने में आता है नौ महीने होते हैं यूजली माना कि सब्जेक्ट कम हो गए हैं पर क्या सब्जेक्ट सर तुम्हारे लिए कम हुए नहीं ना वो बंदा जो ऑल इंडिया रैंक वन लाएगा उसके लिए भी सब्जेक्ट्स कम हो गए तो उसने तो मेहनत अपनी डबल कर देनी है तो अभी तुम समझो सब्जेक्ट कम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा मतलब तुम्हारे बाजू में तुम मान लो दो लाए हो एक बंदा है दो सौ एक लाए एक बराबर हो तुम अभी रेस शुरू होगी और तुम दोनों में से जो ज्यादा मेहनत कर लेगा ना इंटर में वो एक बार में बूथ ग्रुप क्लियर कर जाएगा सर प्लीज अंडरस्टैंड सी ए इज ऑल अबाउट हार्डवर्क अगर तुम बहुत स्मार्ट हो और उसके साथ तुम अगर दबा करके हार्डवर्क कर लोगे ना यू विल गेट अ रैंक यू विल गेट अ रैंक बट इफ यू आर नॉट दैट स्मार्ट क्यों भाई नहीं होते भाई स्मार्ट लोग स्मार्ट कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं जैसे अभी मैं सीए है मेरा छोटा भाई है तुम्हारे एज का ही इज ही इज नॉट अ सीए वो पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना नहीं है वो कहता है मम्मी ने सारा दिमाग तेरे में डाल दिया तो तू पढ़ लिया भाई मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी आज वो जाकर के पढ़ाई लिखाई नहीं करते बोलते तू तो ने पढ़ लिया ना क्या कमाया मन में बोलता है इसे मेरे सामने नहीं बोलता है मैं तुमको क्यों बताऊं बोलता है पर उसने ऐसा उसको रहता है कि मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करना तो वट इज ही डूइंग 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 ही 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 इज 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 बिजनेस एंड प्रोबेबली एज एज गुड आई तो वेल क्यों उसको पता था मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है बट तुमने डिसाइड किया ना पढ़ाई करनी है फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पढ़ाकू हो या नहीं हो यू विल हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट एंड इफ यू गिव योर हंड्रेड परसेंट आई प्रोमिस यू आई सी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू आईसीआई आई विल नॉट डिस आईसीआई तुम ये समझ करके चलो इंस्टीट्यूट सब देख रहे अगर मेहनत करते हुए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके अगर मेहनत कर ली तो इंस्टीट्यूट तुमको पास करा के दे देगा अरे तो बनना है कि नहीं सीए <laughs> ये आवाज से फिर से पूछूंगा कोशिश करना दिल से आने देना आईसीआई देख रहे बनना है कि नहीं सीएम <laughs>

ऑडिट का पूरा नाम बता सर आप उस पर हंस रहे ऑडिट का पूरा नाम बताइए बोले ऑडिट ऑडिट का पूरा नाम, नहीं था हमको तो लग रहा था ऑडिट है, वैसे पेपर टू क्या है सर लॉ लॉ का पूरा नाम लॉ लॉ का हमको पहले से पता है क्यों क्योंकि लॉ का हमारा पुराना प्यार है बचपन का प्यार है फाउंडेशन में लॉ था कि नहीं था

तो तुमको कोई तो पकड़ा करके चले जाए ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे हमको कौन ही देख रहे क्या ही लिखना है बुक्स वुक्स के बारे में सब बताऊंगा जैनुल थोड़ा थोड़ा शांति रखो एक साथ सारा बता दू क्या क्या लिखोगे अपना हेडिंग बुक के कॉरपोरेट एंड अदर लॉज ठीक है अब सुनो दोस्तों तुम लोग मेरे को अगले कितने घंटे सुनने वाले हो अरे दो आज डेमो डेमो वाले ठीक है दो ठीक है पर जो मेरे स्टूडेंट है तुम लोग मेरे को आने वाले दिनों में कितने घंटे मिला करके सुनने वाले हो करीबन 160 घंटे तक मेरे को तो यहाँ आके बाघ 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 करना है तो तुम लोगों को पता तो होना चाहिए भाई जिस बंदे की इतनी सुन रहे हैं वो क्या कौन है क्या है क्या करता है क्या खाता है तुमको पता तो होना चाहिए क्या पीता है ये सब पता तो होना चाहिए तो यहाँ पे क्यों से पीता है पे वॉटर एच टू ओ सुनो सर मैं आप लोगों को दो मिनट लगा के एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं थोड़ा टाइम पास तुमको लग सकता है पर मेरे को करने दो मेरे को पता है कितना टाइम पास करना है और कितनी पढ़ाई करनी है सबसे पहले देखो स्क्रीन पे दस चीजें लिखी हुई है दस चीजों में से पांच चीजें मेरे बारे में सच है और पांच चीजें मेरे बारे में गलत है बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने डेमो देखा था डेमो में आपने कराया था क्वेश्चन बदल गए हैं एग्जाम का पैटर्न पता होने से पेपर लीक नहीं हो जाता तुमको से पैटर्न पता है अंदर के क्वेश्चंस नहीं पता है ठीक है तो बदल गए हैं तो मैं दस चीजें दस में से पांच सही और पांच गलत है एक एक करके मैं पूछूंगा तुम लोग बताओगे सबसे पहला, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मतलब ट्वेल्थ में मैंने साइंस लिया था बताओ साइंस भी कोई लेने की चीज है साइंस तुम साइंस नहीं लेते मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला ठीक है आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड जी हाँ साइंस ने मेरी आ, मैंने साइंस <laughs> मैंने साइंस लिया था ठीक है तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मेरा साइंस था ठीक है दूसरा आई एम एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉड इन ओडिशा लोग बोल रहे का है भाई <laughs> ये कहा पड़ता है स्टे, मैंने यहां पे मैं पहले अपने जगह का नाम लिखता था जो प्रॉपर सिटी थी लोग ने ऐसा मुंह बनाया मैंने बोला ओडिसा तो पता है तुमको कम से कम तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉडप इन ओडिशा दिस इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड आई एंटर्ड एंटर इंटर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट क्यों नहीं भाई तब तब बहुत डिफिकल्ट था तब तुमको आठ महीने की आर्टिकल शिप करनी होती थी क्या चलो सो आई डिड नॉट एंटर दिस इज फॉल्स ठीक है तो कितने दो सही एक गलत फोर्थ आई फेल्ड इन बायोलॉजी साइंस लेके एंड आई वॉज गुड एट मैथ्स गुड एट मैथ्स

This is false because Big से किया बट बिग फोर में डेलोइट से किया तुमको पता है बिग फोर में कितने फॉर्म्स आते हैं वाह बिग wow, फोर में चार फॉर्म आते हैं ठीक है किसी को पता है चारों फॉर्म का नाम हमको क्या करना है जान करके बेटा सपने देखोगे तो ही ना पूरे होंगे चार बिग फोर होते हैं ठीक है पहला डेलोइट दूसरा केपीएमजी तीसरा ईवाई चौथा पीडब्ल्यू सी सर यह हमको क्यों जानना जरूरी है क्योंकि तुम इंटर के बाद क्या करोगे आराम एक बार खत्म हो जाए तो पहले तो दो तीन महीना कस के आराम पर उसके बाद क्या करोगे तुमको आर्टिकलशिप करनी है तुम सोचो ये एग्जाम तुम्हारे लिए कैसे प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करता है लोग बोलते हैं ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई अब कसम से अब खत्म हो गई अब तुम जो सीए इंटर में स्कोर बनाओगे वो स्कोर तुम्हारा आर्टिकलशिप डिसाइड करेगा जो आर्टिकलशिप में जितनी अच्छी फॉर्म में काम करोगे जितने अच्छे लोग मिलेंगे तुमको वो तुम्हारी कंपनी डिसाइड करेगा कंपनी से तुम्हारा सीए फाइनल का रिजल्ट डिसाइड होगा और उस रिजल्ट से तुम्हारा आगे करियर डिसाइड होगा और जब तुम जब तुम बिग फोर वगैरह में जाकर के आगे

और दूसरा ग्रुप अगर बाद में देंगे तो क्या हम CA, क्या हम बिग फोर में नहीं जा सकते जा सकते हो शर्त है कि तुम एक ग्रुप जब ले रहे हो ना तो इतने मार्क्स लाओ जो बोध ग्रुप वाला नहीं ला पाया मतलब चार सौ मार्क्स का पेपर होगा स्कोर 260, 280, तो उनको समझ आएगा बंदे में दम है बंदे ने दोनों ग्रुप नहीं दिया बंदे में दम है दम है तब जाकर के 260 आया तो आपको क्या मिल जाएगा बिग फोर में भी एंट्री मिल जाएगी तो अगर आप बोध ग्रुप दे रहे हो इज योर एम इज द फर्स्ट एम फर्स्ट एम इज बोथ ग्रुप क्लियर विद गुड मार्क्स ग्रेट मार्क्स रैंक आई नहीं आई वो भगवान भरोसे दूसरा बोथ ग्रुप क्लियर विद और वो भी सेट दो सौ दस आया सेट ऑफ आकर के क्या हो गया पास क्या हुआ ठीक है तीसरा कि भैया एक ग्रुप क्लियर किया पर एक ग्रुप अच्छे स्कोर से क्लियर किया तो आपको बिग फोर मिलेगा एंड दैट बिल्ड्स योर जर्नी बोलना हा मैं थोड़ा मेरा फ्लो पूरा पिछले अटेम्प्ट है तू यू समझ ले रिकॉर्डिंग देख रहा हूं ठीक है <laughs> <laughs> सुनो नेक्स्ट इजी yes, yes, yes yes no? yes, yes. huh? था चलो ये भी यस हो गया कितने यस हो गए चार यस हो गए शेट अब इसके बाद एक ही सही है और दो फॉल्स हो गए आगे ये क्यों डाला यार मैंने <laughs> ये मैंने हटा चलो ये वाला स्किप कर देते हैं नेक्स्ट वाले पे आते हैं आई लव वॉचिंग मूवी इसके बाद वाला बताओ आई एम अर्ड नर्ड मतलब बहुत, बहुत पढ़ाकू एकदम पागल हो जैसे पढ़ता रहता है कैसे भाई पढ़ाकू नहीं होएगा तो रैंक कैसे आएंगी रिजल्ट कैसे आएगा ऊपर लिखा है ना आई क्लियर ऑल लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट तो नर्ड तो बनना पड़ता है ना नहीं सर सिंपल सा सीक्रेट है जब पढ़ाई करनी होती है तब शिद्दत से पढ़ाई कर लो यही तो मां बाप बचपन में बोलते थे कि भाई पढ़ने के टाइम पे पढ़ ले समर वेकेशन में खेल लेना नहीं हमको समर वेकेशन में स्कूल जाना होता था और उसके बाद हमको जब स्कूल में जाते थे तो नहीं हमको सोना होता था हम उल्टा चलते हैं पर फैक्ट यही है भाई जिस दिन समझोगे कि जब पढ़ना है तब पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा जब मस्ती करनी है तब मस्ती करोगे तो हो जाएगा तो ये वाला आपका आई लव वॉचिंग मूवीज इज राइट तो अपन चलेंगे कभी कहीं तो भी मूवी चलेंगे अपन लोग सब दूसरा आई एम एमर्ड इट इज अ फॉल्स आई वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज चलो एक काम करते हैं ये वाला और ये वाला काट देते हैं आपका मैच हो गया क्या मतलब पांच सही तीन गलत टाइम पास नहीं कोई एग्जाम नहीं था तुम समझे ना इंट्रोडक्शन करवाने का एक तरीका था तुमको समझ आया क्या तुम मेरे बारे में थोड़ा सा समझे क्या पक्का ठीक है तो बस इसके आगे मेरे बारे में और बात नहीं होने वाली मैं पांच मिनट लिया इतना मेरा काफी था इसके बारे में दो चीजों के बारे में बात होगी एक तुम्हारे और तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट का नाम क्या है सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ अगर मैं आपको बोलू बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सुनना सुन के बताना अगर मैं आपको बोलूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो कौन से दो पार्ट में डिवाइड करोगे अच्छा सुनो मेरी बात सुनो कहीं भी जाओगे ना कहीं भी जाओगे किसी भी क्लास में जाओगे भीड़ बहुत है खो जाओगे पक्की बात है

कि भैया कंप्यूटर देख के बात कर रहा है आंख बंद करके पढ़ाई कर रहा है जब तक घर वाले ये करते तुमको हरकतें करते हुए नहीं देखेंगे समझ लेना तुमने पढ़ाई नहीं, नहीं करी है तो जितने भी बच्चे क्लास में है मेरी बात प्लीज सुनो प्लीज पार्टिसिपेट विध मी अदरवाइज हु विल गेट लॉस्ट मैं बोलते बोलते खो गए सर आप तो नहीं कौन खो जाएगा तुम लोग खो जाओगे तो प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज पार्टिसिपेट विथ मी थोड़ा सा एफर्ट लगता है कभी कभी कि यार मन नहीं कर रहा फिर भी बोल लो पर बोलोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते क्या आएगा सर 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 क्या आएगा सर क्या देख रहे हैं वहां पे नीचे क्या दिख रहा है तेरे को ठीक <laughs> है पिछले बैच में मैंने एक बच्चे को पहले दिन डांटा था तो उसने मेरे को आखिरी दिन आके बोला था सर आपने डांटा था मेरी फट गई थी सर मैं नया नया आया था मेरे को तो पता भी नहीं था तो आज इस बैच में हम किसी को आज नहीं डांटेंगे ठीक है तो प्लीज ध्यान पक्का पक्का ठीक है चलो सर आपने नोट्स में लिखा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ अब प्लीज अपने नोट्स को दो पार्ट में डिवाइड करो अपने नोट्स में एक डिवाइड करो और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करो मैं आपको देने वाला हूं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपके सब्जेक्ट में दो पार्ट आते हैं एक तो कॉर्पोरेट लॉ हो गया और दूसरा नहीं नहीं मत करो पार्टिसिपेट मेरे को क्या है हाँ मैंने लाके लगा देनी है यहां पे कल देखो मेरा तो हो गया ठीक है किसको करना है एक और बार ट्राई करूंगा किसको करना है करोगे ना, ना। पक्का ना। तो ध्यान तो दो अच्छा सुनो सबको बुक्स मिल रही है बुक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट दूंगा पर जो भी बुक्स आपके पास आ रही है वो वो कलेक्ट करके रख लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे आने वाले दिनों में आपको यही बुक आठ से दस दिन तक काम आने वाली है सर एक कॉर्पोरेट लॉ हो गया और एक अदर लॉ हो गया क्या तुम मेरे को बता सकते हो कॉर्पोरेट लॉ में क्या अच्छा तुमने फाउंडेशन में जो लॉ पढ़ा था डायरेक्ट एंट्री वाले जब मैं फाउंडेशन का रेफरेंस दूंगा तो वो सिर्फ ये समझना क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे तो उनसे भी बात करना जरूरी है पर मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट जीरो से ही स्टार्ट होंगे मतलब मैं अगर तुमको क्लास में बोल रहा हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सो आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट यू नो वॉट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज मैं तुमको पूरा समझाऊंगा भी तुमको पूरा डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे पर मेरे को उनको उनसे बात करनी तो जरूरी है ना तो घबराना नहीं मेरे को बताओ फाउंडेशन में तुमने कौन सा लॉ पढ़ा था बिजनेस लॉ पढ़ा था क्या क्या आता था बिजनेस लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता था पार्टनरशिप एक्ट आता था एल एल पी एक्ट आता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता था ये सारे थे और एक और था बीसीआर ठीक है एक और बी सी आर भी था आपका ठीक है पर यहां पे अभी कॉर्पोरेट लॉ में मैंने कुछ नहीं बोला मैंने सिर्फ बीसीआर के बीच में हिचकी आई तो मैंने गैप लिया तुम्हारी सोच तुमसे मुलाकात करके गई जहां पे तुमने बोला हा कुछ तो बोला सर आपने सुनो कॉर्पोरेट लॉ में क्या है और अदर लॉ में क्या आता है यहां पे कॉर्पोरेट लॉ में कितनी चीजें आती है सर दो पहले एक था पहले एक क्या था कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट पर इन्होंने बोला एक और दोस्त से मिलाएंगे तुम्हारे क्या नाम है सर एल एल पी एक्ट एल एल पी एक्ट एल एल पी एक्ट क्या है दोस्तों आपने पढ़ा है बचपन में जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ा ना वो ऑलमोस्ट एटी परसेंट था इन्होंने थोड़ा बीच बीच का और जोड़ करके इन्होंने क्या कर दिया यहां पे आपके लिए एलएलपी एक्ट डाल दिया दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर स्कोरिंग टॉपिक फॉर दिस अटेम्प्ट ये पहली बार आया है न्यू सिलेबस में इंटर इन्होंने फाउंडेशन से लेकर के इंटर में ले आए इन्होंने पूरी कोशिश करी उसको क्या करने की अपग्रेड करने की पर इतना कर नहीं पाई क्योंकि फाउंडेशन में वैसे ही तुमने बहुत ज्यादा एलएलपी एक्ट को पढ़ लिया था उसके बाद सर अदर लॉ में क्या क्या आता है अच्छा रुको पहले कंपनीज कंपनीज एक्ट में घुसेंगे एक्ट किया है तुमने फाउंडेशन में हा वट इज अ कंपनी ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे बच्चों वाली चीज है बड़ी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है मेमोरेंडम क्या होता है यही बच्चों वाली चीज जो है ना अब वो तुमको ट्रेलर दिखा अब तुम बहुत बड़ा पोर्शन कवर करोगे कंपनीज एक्ट का जहां पे आप सेक्शन नंबर वन से शुरू करोगे और अच्छा किसी को पता है कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं टोटल कितने सेक्शंस हैं एनीवन बता 470 करेक्ट

तो इन्होंने बोला था फाइनल का लॉ पूरा का पूरा खींच करके यहां पे ले आएंगे तो तुम्हारे सिलेबस में पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट हो सकता था पर बच गए तुम लोग कि आपके पास सिर्फ 1 से लेकर के 148 तक है पर इसके साथ इन्होंने एक और चीज ऐड करी क्या एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किया सर फॉरेन कंपनी का व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी सर हमको फॉरेनर पता होता है फॉरेन कंपनी नहीं पता होता है व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी किसी ने मैडम ने कहा अ कंपनी विच इज इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी हैविंग अ प्लेस आप डायरेक्ट एंट्री से फाउंडेशन में कहां से पढ़ा ये फाउंडेशन में था तुम्हारे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन था हाँ ah. सुनो 348 वाले मैडम को नहीं पता तुमको कैसे पता है तुम्हारा भी 340 था नहीं ठीक है सुनो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा पर मेरे को एक बार एक फील लेके अभी पूछने दो माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट क्या जो कंप्यूटर में चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन कंपनी की इंडियन कंपनी है फॉरेन कंपनी है टेस्ला टेस्ला क्या करते हैं कार बनाते हैं इलॉन मस्क का तो टेस्ला फॉरेन कंपनी है कि नहीं है? है तुम बोल रहे हो है नहीं है ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम अभी समझ गए मैंने दो सवाल पूछे एक एक तो टेस्ला क्या क्या है और एक क्या है और माइक्रोसॉफ्ट उसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा पर तुम समझो हमको फॉरेन कंपनी का का पूरा 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 जो डेफिनेशन है वो करना पड़ेगा और चैप्टर इन्होंने डाल दिया तुमको उसमें बहुत सारे

तुम सब समझ रहे हो ना ठीक है तो यहां इन्होंने क्या किया है फॉरेन कंपनी का जो पहले टॉपिक हुआ करता था वो ला करके डाल दिया है तो हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और तुमको कंपनीज एक्ट और एल एक्ट मिला करके गैस कर सकते हो कितने मार्क्स का आएगा एनी पहले कॉर्पोरेट लॉ 60 का हुआ करता था अब इन्होंने वेटेज बढ़ा करके 70 मार्क्स का कर दिया क्यों क्योंकि भैया फॉरेन कंपनी आपका चार से छह नंबर लेके जाएगा और एलएलपी एक्ट आपका चार से छह नंबर लेकर के जाएगा तो वी आर एस टीमेट इन्होंने डिटेल स्प्लिट अभी तक नहीं दिया है पर हम लोगों को बाद में पता चल जाएगा पर आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है वो कितने मार्क्स का आने वाला है सेवेंटी उसके बाद अदर लॉ कितने मार्क्स आएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थर्टी मार्क्स तुमने गैस कर लिया नहीं तो बोले अरे कितना हो सकता है भाई सौ में सत्तर गए और कोई कंफ्यूज ये हो सकता था कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो आते हैं हमने तो सुना था 116 सो मार्क का पेपर होता है क्या तुमने ये सुना है डू यू नो देपर इज नॉट ऑफ हंड्रेड मार्क्स इट इज एक्चुअली ऑफ हंड्रेड ट्वेल्व और हंड्रेड सिक्सटी मार्क्स सुना है तुमने कभी क्योंकि हर दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये लोग क्या देते हैं ऑप्शन देते हैं तो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है वो सब अपन देखेंगे अदर लॉ में कितने लॉज आते हैं सर किसी को पता है पहले चार आते थे पहले चार कौन से आते थे बताऊ पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो तुमने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा था तुमने देखा था ये कोई पढ़ाई होती है ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सेमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आंख आंख मारा मारा उसने भी आँख मारा, तो आग्रीमेंट हो गया <laughs> ये ये पढ़ाई थी भाई बेसिक्स था ठीक है अभी तुम क्या आईसीआई अभी जो फाउंडेशन का सिलेबस हुआ है ना उसमें एक्चुअल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला इन्होंने जो तुम्हारा अस्सी नब्बे पेज का होता था ना या सौ पेज का होता था वो अब ढाई पेज का हो गया तो भाई तुम तो देखो तुम ऐसा हॉप मारे और सिलेबस पीछे गया तुम आगे बढ़े और सिलेबस पीछे गया बच गए कि नहीं दूसरा आपका एक चैप्टर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसी को पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट चेक ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखो भैया ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होना चाहिए था तुम लोगों ने पता होना चाहिए था पर तुम फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट हो ये कहां चला गया फाउंडेशन में चला गया अब मेरे अंदर एक मजाक आ रहा है क्या तुमको कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना ही <laughs> नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट आगे तुम बोलोगे सर एग्जाम में आएगा क्या दूर दूर तक नहीं बोले पागल हो हम बैठ के एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ेंगे डेढ़ साल से तो हम ये सोच रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे पांच साल से अपने दोस्त को बुक्स पढ़ते हुए देख रहे हैं वो नहीं शुरू हो पा रहे हमसे हम बैठ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे ठीक है कर लो मजाक पर ये दोनों चैप्टर कहां गए सर अब ये दोनों चैप्टर हट करके चले गए फाउंडेशन में उसके बाद कौन से चैप्टर बचते हैं तीन चैप्टर बचते हैं पहला जनरल क्लॉज एक्ट किसी को पता है जनरल क्लॉज एक्ट क्या अच्छा सुनो ना हेलो सर ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ना तुमको क्या लगता है मेरे एग्जाम में आएगा क्या मैं अपने लिए लिख रहा कि सर को थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती होगी तो बोले सर लिख लिख के पढ़ रहे तुमको एक बार यह चीज अपने नोट्स में भी लिखनी है ताकि बाद में तुमको ध्यान रहे कि भैया क्या पढ़ के आए घर में और सुनो ना प्लीज ना क्लास में कॉपी पेस्ट मत करना मेरे साथ साथ लिखना जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं जनरल क्लॉज एक्ट इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं लिख रहा हूं तो तुम भी मेरे साथ साथ क्या कर सकते हो उसको लिख कर सकते हो तो तुम्हारा ध्यान भी ज्यादा रहेगा तो यह क्या है जनरल क्लॉज एक्ट किसी को पता है जनरल क्लॉज एक्ट क्या होते हैं एनी वन वॉन्ट्स टू गिव इट अ शॉर्ट एनी वन एनी ट्राई यस प्लीज लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाता है तो अगला चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वो क्या है? <laughs> <laughs> उसमें जनरल बातें लिखी होगी कि क्लॉजेस में जनरली कैसे पढ़ते हैं ना नहीं सर ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है ये क्या है मेरी बात ध्यान से समझना क्या इंडिया में एक ही एक्ट है कंपनीज एक्ट इंडिया में बथेरे एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला कुछ ना हमको चीजें बेसिक चीजें हमको समझनी पड़ेगी और वो चीजें समझने की जो बेसिक चीजें होती है ना वो हर हर एक्ट में बार बार नहीं लिख सकते तो हमने क्या किया हमने उठा करके जनरल क्लॉज एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें लिख दी जो सारे एक्ट को अप्लाई होती है सर जैसे कि कुछ बताओ एक एग्जाम्पल देता हूं आपको एक लड़की थी ठीक है उसका नाम था अदिति फॉर एग्जाम्पल अब अदिति ने क्या किया वो एक कंपनी में बन गई डायरेक्टर क्या बन गई अरे बोलो सुनाई दे रहा है तुमको ठीक है तो डायरेक्टर बन गए अब जब एक में और डायरेक्टर बनने के बाद जब फ्रॉड किया तो फ्रॉड पकड़ा गया उसका और उसको कोर्ट में ले गया, गया। कोर्ट में जाकर जज साहब ने बोला दैट यू विल बी लाइबल पेनल्टी ऑफ टेन लाख रुपीज तो उसने जज साहब को बोला मैं लायबल हुई नहीं जज ने बोला क्यों भाई बोले तू ढंग से पढ़ वहां पे लिखा है एनी पर्सन कमिट्स फ्रॉड ही शेल बी लाइबल पेनल्टी ऑफ टेन लैक्स बोले ही मैं शी बोले ये बर्थ सर्टिफिकेट अभी जज ने कोई कमेंट पास नहीं किया उस पर क्योंकि तुम ऐसा बोल नहीं सकते इंडिया में पर उसने क्या दिखाया बर्थ सर्टिफिकेट बोले देखो मैं शी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है जज को समझ आया हाँ भाई लग गए दिक्कत हो गई बात तो बंदी की सही है तो उसने क्या किया उन्होंने तब देखा कि एक जनरल क्लॉज एक्ट नाम का भी एक एक्ट है जो क्या लिखता है कि हम लॉ में जब मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं ना तो उसमें फीमेल भी इंक्लूड होते हैं मतलब ही इंक्लूड्स शी समझे क्या लेकिन लेकिन जब लॉ का इंटेंशन ही है कि मेल इंक्लूड हो सिर्फ तब फीमेल को मत कर देना जैसे कि पहले लॉ में लिखा होता था कि किसी इंसान के डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मेल मेल डिसेंडेंट को जाए मेल डिसेंडेंट को तो वहां पे अदिति ने क्या बोला ही इंक्लूड सी मेल इंक्लूड फीमेल मेरे को भी मिलेगी प्रॉपर्टी लॉ ने बोला नहीं जहां हमारा मतलब समझना भाई तुम तुमको समझ नहीं आता क्या ही इंक्लूड सी इन जनरल बट जहां पे लॉ का इंटेंशन है सिर्फ मेल आएगा वहां पे मेल आएगा फीमेल नहीं आएगा जैसे कि इन्होंने लिखा है जनरल क्लॉज एक्ट में कि जब हम बैल बोल रहे हैं ना तो बैल में बैल आएगा बैल में गाय नहीं आएगी तुम समझ अबे हिंदी में नहीं लिखा है भाई वहां पे लिखा है बुलक विल नॉट इंक्लूड काउ अच्छा क्या बता दिया लिख लेते यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए ठीक है तो ये आपके जनरल क्लॉज एक्ट है जहां पे इन्होंने बहुत मन मर्जी की है एक और चीज लिखा है आपका कंपनीज एक्ट का कंपनी सेक्शन है सेक्शन नंबर मत लिखो अभी सेक्शन नंबर मत लिखो कुछ मत लिखो स्क्रीन पे देखो एक सेक्शन है जहां पे लिखा है अ कंपनी में बी फॉर्मड फॉर लीगल पर्पस ये तुमने सुना है कभी ऐसा तुमने कंपनी फाउंडेशन में देखा है अच्छा एक सेकेंड डायरेक्ट एंट्री वाले जो स्टूडेंट है क्या तुमने कंपनीज एक्ट का बेस पढ़ा है अगर पढ़ा है तो हाथ उठाओ जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स जो कंपनीज एक्ट का बेस पढ़ के आए हैं अरे पूछूंगा नहीं भाई मतलब तुमने कभी कंपनी का भी डेफिनेशन पढ़ा है अपने कोर्स में पढ़ा है ना बोले सर बुक में था सिलेबस में भी था पर हमको पास होने के लिए कभी उसको पढ़ के जाने की जरूरत पड़ी नहीं तो हमने नहीं पढ़ा है पर ठीक है चलो मैं समझ गया कि तुमको बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा क्या लिखा है स्क्रीन में अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर सर यहां पे मैंने क्या किया मैंने कंपनी बनाया आओ मर्डर करो लिमिटेड क्या बनाया मैंने आओ मर्डर करो लिमिटेड अरे वो इमरान हाशमी वाला 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 नहीं नहीं भाई वो वाला नहीं है, वो मर्डर 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 है है तो मैंने मैंने आओ करो लिमिटेड बनाया और मैंने एक कंपनी बनाई वहां पे मैं क्या कर रहा हूं इीगल धंधा कर रहा हूं अब उसके बाद किसी ने पकड़ लिया बोले तुम इनिगल पर्पस के लिए कंपनी नहीं बना सकते मैंने बोला क्यों नहीं बना सकते बोले लिखा है लीगल पर्पस के लिए बनाना मैंने बोला लॉ सिखाएगा मेरे को यहां पर क्या लिखा है मैं में का मतलब क्या होता है मे का मतलब लीगल क्लेप भी बना सकते हो इनलीगल क्लेप भी बना सकते हो तो यहां पे मे लिखा हुआ था सही बोला कि नहीं सर मैंने सही बोला कि नहीं नहीं जनरल क्लॉज में क्या लिख दिया पता है पते? बोले हम मे लिखेंगे पर जब हमारी मर्जी होगी ना हम शैल पढ़ेंगे क्यों बोले मा लाइफ माई <laughs> रूल्स भाई ये क्या मतलब है तू शैल लिखता ना यहां मैं लिखेगा जो इस बंदे के सिलेबस में सिर्फ कंपनीज एक्ट है वो क्या करेगा तो इन्होंने बोला डाल दे फिर जनरल क्लॉज एक्ट वहां पे इन्होंने क्या लिख दिया मे को भी हम शैल पढ़ सकते हैं मैंने बोला ठीक है वेरी गुड वहां पर फिर एक जगह आगे गया मैं लिखा अ कंपनी शैल एक सेक्शन है आगे वन फोर्टी नाइन अ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट थ्री इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा एक प्रोविजन था मैंने बोला मैं दो रखेगा क्यों चुल नहीं मैंने बोला दो रखूंगा क्यों बोले तुमने ऊपर मे को शैल पढ़ा था ना तो ये क्या लिखा है शैल इसका मतलब मे अ कंपनी में हैव एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स मैंने बोला मे मेरे को नहीं रखना है मैं दो रखूंगा तो वहां पे उन्होंने क्या लिख दिया बोले हम जब शैल बोलेंगे ना तो उसको हम मे नहीं पढ़ेंगे हम मे को शैल पढ़ेंगे पर शैल को मे नहीं पढ़ेंगे क्यों मा लाइफ तुम ही कर लो भाई हमको नहीं करना तुम यहां पे लिख देते ना ढंग से पर नहीं इस तरह की चीजें इन्होंने कहां पे लिख रखी है जनरल क्लॉज एक्ट में वो पूरा हमको पढ़ाएगा इंस्टीट्यूट की भैया ये बैठ करके पढ़ उसके बाद एक्ट कौन सा है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पोर्शन जो इन्होंने फाइनल से ला करके कहां ले आए इंटर में ले आए ये तुम्हारे लिए पता है तुम समझो ये जो एल एल एक्ट है ना और ये जो फेमा एक्ट है ना ये तुम्हारी लॉटरी बनने वाली है क्यों भैया एलएलपी एक्ट अगर इन्होंने दस नंबर का डाल दिया जो कि मैं चाहता हूं ये लोग डालें क्योंकि साठ नंबर का था अभी भी साठ में कर सकते हैं अगर इन्होंने एल एलपी दस का डाल दिया फेमा तो ये लोग दस नंबर का डालने ही वाले बीस नंबर की तुम्हारी लॉटरी है तुम्हारा एकदम आराम से ये जो है मैनेज हो जाएगा तो फेमा एक्ट क्या है सर फॉरेन फिर से बोलो एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए जो एक्ट बना है उसको हम क्या सर, क्या क्या कहते है? हैं यही तो सुनने आए थे कि foreign exchange Management act, मतलब क्या? जो एक्सचेंज को मैनेज करता है हुआ क्या था दोस्तों हुआ यह था क्या आपको पता है में में कब 1991 में. जब तुम तो पैदा हुए मैं भी नहीं हुआ तुम क्या नहीं हुआ था मैं भी नहीं हुआ था हम पैदा जब नहीं हुए थे तब ये सारे कांड हो रहे थे आपको पता है इंडिया के पास ना फॉरेन करेंसी पूरी खत्म हो गई थी फॉरेन करेंसी मतलब क्या मान लो आज मेरे पास हजार डॉलर है मेरे जेब में तो मैं हजार डॉलर का कुछ भी बाहर से खरीद सकता हूं ना हाँ पर मेरे पास अगर पैसे नहीं है मैं बाहर से खरीद पाऊंगा क्या नहीं इंडिया के पास पूरा -का, पूरा का फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया तो बोले ठीक है ना नोट छाप लो इंडिया में नोट छाप लो तुम इंडिया में क्या छाप सकते हो आई छाप सकते हो तुम्हारे पास डॉलर नहीं है और उस समय पर इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था किस पे डिपेंडेंट था अरे बोलो हे भगवान जो भी मेरी क्लास में रोज हर दिन अच्छे से बोल बोल के पार्टिसिपेट करेगा उसको चार नंबर एक्स्ट्रा दे देना हर सब्जेक्ट में तो जो उसके 56 आ रहे थे ना वो कितने हो जाएंगे जी, जी। जो उसके 36 आ रहे थे वो कितने हो जाएंगे 40. पर अब तुमको पता है ना 36 40 का रेलेवेंस आ, पता है ना कि अब तुम्हारा इंडिविजुअल पासिंग भी कितना हो गया है पर, सर huh? आपका इंडिविजुअल पासिंग फोर्टी नहीं है सुनो मेरी बात हो सुनो सुनो है सुनो तुम जितना मन में सोच के चलते हो ना उतना ही एग्जाम में करके आते हो तुम्हारे मन में अगर यह रहेगा ना चालीस चालीस तुम समझो कि अगर 90 परसेंट बच्चे इंटरमीडिएट में फेल होते हैं ना तो उसमें से 50 परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो गए हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट नहीं बना क्यों क्योंकि शुरू से यही लेके चल रहे होते तो चालीस लिया चालीस लिया चालीस लिया भैया चालीस लाओगे ना एग्रीगेट नहीं बना पाओगे और 40 का सोच के चलोगे ना 40 ही आएंगे ये लिखवा के ले लो तो तुम आज से कभी भी नहीं बोलोगे कि पासिंग कितना है 40 पासिंग कितना है ले? 50 ये चीज तुमको जितनी भी हल्की लगे आगे चल करके जब समझ आएगा ना तो बता देना कि आपके लिए पासिंग कितनी है 50 40 में पास नहीं होने वाले लोग एग्रीगेट में अटक जाते हैं इसी चक्कर में क्योंकि चालीस चालीस चलता रहता है उनके दिमाग में तुम जब एग्जाम भी लिखोगे ना तो तुमको मन में रहता है पेपर टफ आया है भाई पास होना है पास होना है तो तुम क्या टारगेट करते हो चालीस चालीस तो और पेपर तो सारे टफ आते हैं पढ़ के तो हम जाते हैं नहीं एग्जाम के पहले तो सारे ही टफ आते हैं तो तुम हर जगह सोच के जाते हो सब में फोर्टी फाइव आते हैं एग्रीगेट एग्रीगेट नहीं बनता सो पॉइंट इज 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 फॉर यू यू नो मोर विल से दैट पासिंग मार्क्स इट हाउ मच और अपने आप बन जाएगा तुम हर सब्जेक्ट में पचास लाओ एग्रीगेट तुम्हारा अपने आप बन जाएगा कमिंग बैक सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मैं क्या बोल रहा था इंपोर्ट बहुत सारे थे इंपोर्ट मतलब क्या मैं बाहर से खरीदी बहुत कर रहा हूं मतलब मैं तेल की खरीदी कर रहा हूं पेट्रोल की खरीदी कर रहा हूं अब तुम पेट्रोल की खरीदी करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे पैसे दे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब उनको समझ आया तब हमारे तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1991 में इंडिया को बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया था ही इज द ही इज द पर्सन हु इज बिहाइंड दिस एक्ट वो ना होते तो हमारे सिलेबस में एक कम चैप्टर होता है ना नहीं भाई ऐसा नहीं सोचते वो ना होते तो तुमको आज के डेट में अगर तुम यूएस जाना चाहो इट हैज बिकम सो इजी यू गो अप्लाई फॉर योर वीजा एंड यू ट्रेवल बस पैसे नहीं है वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है वो देश की प्रॉब्लम नहीं है भाई पर अदरवाइज पहले जितने रेस्ट्रिक्शंस थे आज उतने रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसको हम बोलते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस रेंदो जब आएगा तब देख लेंगे अभी के लिए ये समझो कि देश के बाहर जाना आना बहुत आसान हो गया क्योंकि एक एक्ट आ गया है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिससे अब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं समझे क्या Yes सर और आपका लास्ट एक्ट क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट सर इंस्टीट्यूट का मजाक देखो तुमको पहले सी फाउंडेशन में लॉ पढ़ाया पूरा लॉ पढ़ाया उसके बाद अभी तो सौ मार्क का लॉ पढ़ाएंगे उसके बाद इंटर में आने के बाद सबसे पहले पूरा कंपनी फिर एल एल पी एक्ट पढ़ाया फिर जनरल क्लॉज एक्ट फिर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फिर लास्ट में क्या बताएंगे तुमको देखो लॉ पढ़ना कैसे है तुम इतना सारा जो पढ़ के बैठे हो वो पढ़ना कैसे था वो तुमको कहा बताएंगे पूरा का पूरा चैप्टर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ये क्या है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट और ये तीनों मिलाकर के आपका क्या बनता है अदर लॉ जो कितने मार्क्स का आएगा थर्टी मार्क्स सर अगर तीन चैप्टर तीस नंबर के आएंगे तो मेरे को एक रीजनेबल स्प्लिट बताओ हर चैप्टर कितने नंबर का आएगा एट मार्क्स एट मार्क्स और ये फोर्टीन मार्क्स ये आपका एक रीजनेबल स्प्लिट बनता है क्योंकि फेमा जो है ना उससे आपको दो से तीन क्वेश्चन आराम से ये लोग निकाल करके देंगे टेन 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 तो दुनिया में कोई भी बोलता ना तुमने नेहा क्या सोचा बोले रीजनेबल स्प्लिट बताओ बोले टेन 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 अरे जनरल क्लॉस एक्ट में क्या पूछेगा वो दस नंबर का तो यहां पर आठ नंबर का आएगा ये फोर्टीन मार्क्स का और ये मार्क्स का दिस इज द बेसिस ऑन से चैप्टर में कितना फोकस देना है तो सर तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया तो तुम लोग अपना उस हिसाब से छुट्टी का डेट डिसाइड कर लेना कि भैया जनरल क्लॉस एक्ट शुरू हो रहा है अच्छा सिर्फ आठ नंबर है ठीक है मैं घूम के आता हूं है ना नहीं। सर शुरू शुरू में तो हम यही सोच के आते छुट्टी तो एक दिन भी मारेंगे ही नहीं तुम लोग सब सेटल हो गए पुणे में मतलब बैग वैग ला के कपड़े अभी तो कपड़े सारे घर से धुले हुए आएंगे तो एक हफ्ते तक का तो है बाकी बाद में देखेंगे सर लाइफ की स्ट्रगल बाद में शुरू होगी ठीक है तो ये क्या था ये पूरा का पूरा आपका कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ का इंट्रोडक्शन था तुमने नोट्स में क्या लिखा नोट्स में क्या लिखा लिख लिया नोट्स में पक्का ठीक है अब सर ये आपका कॉर्पोरेट और अदर लॉ है अब मैं आपको बताता हूं आपको क्लास में बुक्स कौन सी मिलेगी और आप लोगों को क्लास का अप्रोच क्या रखना है क्योंकि आप लोगों ने अभी तो नोट्स लाने हैं ना अपने अरे लाने हैं कि नहीं यस yes, सर तो आप लोगों को क्लास में दो बुक्स मिलेगी कितनी दो ये देख रहे हो कितनी पतली पतली बुक्स है इतनी ही पतली पतली बुक्स आपको मिलेगी पर ये अभी जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे ये अभी वाले नवंबर वाले स्टूडेंट का एडिशन है इसका नया वाला एडिशन मिलेगा आपको मई ट्वेंटी के लिए अब सर बुक्स कौन सी दो मिलेगी पहली किताब आपकी क्या है किसी को पता है Osionfish. तुमने देखा है सर बुक्स को पहली किताब जो है वो आपके लॉ का समराइज बुक है जिसमें हमने लॉ को क्या कर रखा है पूरा का पूरा 200 पेज में समराइज कर रखा है सर ये ये बुक बुक क्या है 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 वो जो आपका एक्ट यही बुक वो है है जो आपकी रेगुलर बुक है। यह बुक यही आपका क्या है चार्ट्स है यही बुक आपका समरी बुक है यही है भाई जो है दो सौ पेज में पूरा का पूरा लॉ जो है इसमें समराइज हो जाता है सर दो पेज में लॉ कैसे समराइज होता है आपने चीजें छोड़ी है ना बताना मत किसी को जाके बाहर की चीजें छोड़ दिए कुछ भी नहीं छोड़े हम क्या करेंगे शुरू के जो दो चैप्टर हैं वो हम कहां से करेंगे पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल से भी करेंगे तो जब आईसीआई मॉड्यूल से भी करेंगे और फिर जब मैं तुमको लिखवाऊंगा भी नोट्स में और फिर जब इससे मैच कराऊंगा तब तुमको समझ आएगा ये समरी बुक बनी कैसे है क्योंकि तुमको दो चैप्टर में जब देख के कॉन्फिडेंस आएगा ना तब तुम जिंदगी भर के लिए इस बुक को क्या कर पाओगे रेफर कर पाओगे क्योंकि एक बात समझो दोस्तों तुम तो चार महीने क्लासेस कर लोगे तुमको क्या लगता है ये क्लासेस में जो तुम इतने भारी भारी कंटेंट पढ़ रहे हो तुमको छह महीने बाद आठ महीने बाद इतना ऐसा याद रहेगा क्या पूरा कुछ भी नहीं याद रहेगा क्लास के बाद सारी चीजें साफ हो जाती है तो क्या याद रहेगा सर ये जो नोट्स मैंने दिए और दूसरा जो नोट्स आपने खुद से उतारे तो मैं जब क्लासेस करता था ना तो मेरे को पता था अब तो तुम इंटर में हो भाई आठ महीने बाद एग्जाम है फाइनल में तुम सोचो आज का पढ़ा हुआ तुमको शायद दो साल बाद एग्जाम लिखना है मतलब तुम अकाउंट्स की क्लास शुरू करोगे और दो साल बाद तुमको पेपर लिखना है तो वही बात होगी टेंथ क्लास का एग्जाम और पढ़ाई तुम एट स्टैंडर्ड में कर रहे हो इतना किसी को याद रहता क्या नहीं ना तो कैसे याद रखते लोग लोग अपने नोट्स में बहुत ज्यादा लिख करके याद रखते हैं तो ये मेरी बुक होगी ये कितनी भी किताब मिलेगी आपको दो पहली चीज क्या है समरी नोट्स ये समरी नोट्स जो है ना आपको बाय द एंड ऑफ द क्लासेस बाय द एंड ऑफ द क्लासेस मतलब जब आपके तीन साढ़े तीन महीने खत्म हो जाएंगे तुमको ये बुक को अपनी बनानी पड़ेगी सर ये बुक को अपनी कैसे बनाए हमको नहीं आता सर अपना बनाना हमने बहुत कोशिश किया पर उसने मना कर दी वो वो वाला अपना नहीं बनाना ये मना नहीं करेगा तुमको ये अपना कैसे बनेगा 200 पेज है भाई तुम सोचो 90 दिन की क्लास है, है कि नहीं एक अंदाजा 90 दिन दिन की क्लास है दिन का कितना पेज दो मतलब दिन का दो पेज भी तुम ढंग से अगर पढ़ ले रहे हो उसमें अगर तुमको लगा यार ये वाला ऐसे भी तो लिख सकते हैं और तुमने वहां पे एक स्टिकी नोट्स लगा के अपना चार्ट बना लिया तो तुमने 200 पेज को अपना बना लिया और मैं तो तुमको आगे चल करके तुम क्या एक पेज में दो पढ़ोगे मैं तो तुमको एक एक घंटे में दस दस पेज रिवाइज करके दिखाऊंगा और तुम मेरे साथ साथ ही रिवाइज करोगे पर एक एक घंटे में दस दस पेज रिवाइज हो जाएगा तो तुम समझो इस बुक को अपना बनाने के लिए तुमको रोज इस बुक को घर जाके खोलना जरूरी है अगर किसी दिन प्लीज अंडरस्टैंड गाइज प्लीज लिस लिसन टू मी वेरी केयरफुली अब मैं तुम लोगों से और जो डेमो देख रहे हैं बच्चा प्लीज जो भी ये डिसाइड करो तुम लोग खत्म करो मैं मेरी क्लास शुरू कर रहा हूं तो मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगा जैसे तुम मेरे स्टूडेंट हो और मेरी जिम्मेदारी है तुमको पास भी कराना तुमको रैंक भी दिलाना जो तुम्हारी ताकत है तो मैं जो तुमको बोल रहा हूं प्लीज एक चीज समझ लो तुम क्लासेस में आ गए हो ना यू विल हैव टू सरेंडर टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हि हू सो एवर इज फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट यू विल हैव टू सरेंडर मतलब तुम बोलो मैं कुछ भी कर लेगा पर अगर सर ने कुछ बोल दिया ना तो मेरे को वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं किसी दिन तुमको ये बोलूंगा क्या अरे आज छोड़ना तीन दिन पढ़ाई मत नहीं करेंगे चल मूवी देख के आते हैं ऐसी बातें मैं करूंगा क्या नहीं तुमको कैसी बातें मिलेगी कि पढ़ाई कर भाई और पढ़ाई करने का तरीका बताया जाएगा तुम शुरू दिन से ये मैंडेटरी कर लो कि सर कुछ भी बोले वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है एंड बाई सर आई डोंट मीन ओनली लॉ फॉर ऑल द सब्जेक्ट जो भी टीचर बोले वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है क्योंकि मैं बताऊँ तुमको मेरे में और क्लास के बाकी स्टूडेंट में एक छोटा सा फर्क होता था और ये हर वो बच्चा जो पहली बार में क्लियर करता है और जो फेल होता है उसमें ये फर्क होता है क्लास से तुम घंटा पास नहीं होने वाले ये तुम लिखवा के ले लो मेरे से कौन से पेपर में क्यों सर आप गंदा पढ़ाते हो कोई क्लास लगा लो कोई क्लास लगा लो क्लास पास नहीं करवा के देगा क्लास के बाद दो घंटे की क्लास के बाद घर जाके आधा घंटा पढ़ लिया ना वो तुमको रैंक दिला देगा ये बहुत छोटी सी फर्क है तुम खुद अभी आए हो ना तुम खुद देखना कि कितने बच्चे घर जाके पढ़ते कितने बच्चे नहीं पढ़ते तुमको दस परसेंट रिजल्ट दिख जाएगा यू विल ऑब्जर्व कि भाई दस परसेंट तो तुमको मेहनत में ही दिख जाती है रिजल्ट में क्यों नहीं दिखेगा बच्चा घर जाके पढ़ता ही नहीं है ऑन द कॉन्ट्रैटी मैं क्या करता था मैं रोज पढ़ता था पर सर किसी दिन तबियत खराब होगी किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी किसी दिन कुछ कांड हो गया नहीं कर पाए पढ़ाई इतना करता था मैं कि मान लो सुबह साढ़े सात बजे क्लास है ना पंद्रह मिनट पहले आके बस पेज पलटा लिया बस ऐसे देख लिया हां ये ऐसा ऐसा कुछ था मेरे मन के शांति के लिए क्या शांति कि मैं बुक खोले बिना क्लास में नहीं बैठा आई विल नॉट सेट इन द क्लास विदाउट ओपनिंग माई बुक्स यू विल क्यों उस दिन बस मैंने इतना इसलिए किया ताकि मेरा स्ट्रीक ना टूटे स्ट्रीक करते हो ना तुम वो स्ट्रीक छोड़ दो अब स्नैपचैट का स्ट्रीक वो तो टूट नहीं रहा है उसमें तुम देखो तुम्हारी कंसिस्टेंसी भाई वो नहीं भूलते पर अच्छा सर बुक खोलना भूल गया घर जाके सर मैं तो बुक लाना ही भूल गया ए, अगर या तो तुम घर जाके बुक खोलना भूल जाते हो या अगर घर जाके बुक खोल दिया तो अगले दिन लाना भूल जाते हो पर स्नैपचैट के स्ट्रीक तुम्हारे बराबर चल रहे एक नहीं दस दस लोगों के साथ और वो लोग भी इतने वेल की वो कर रहे हैं भैया सबको सीए बनने की इच्छा नहीं है तुमको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्नैपचैट बंद करो पर चलने तो अच्छी बात है अपडेट रहना चाहिए पर तुम लोगों ने क्या करना चाहिए तुम लोगों ने घर जाके हर दिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा अरे करोगे कि नहीं yes, सिर्फ बातें कि करोगे yes. अगर बातें करोगे काम नहीं करोगे तो किसका नुकसान yes. तुम्हारा और मेरा भी क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट मेरा रिजल्ट है तो किसका नुकसान हमारा नुकसान तो आप लोगों ने यह जाकर के करना है अब सर यह क्या है दूसरी बुक क्या है आपकी यह आपकी क्वेश्चन मांगे जिसमें पिछले दस अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी आईसीआई मॉड्यूल मॉक टेस्ट पेपर सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू निकाल करके इसमें डाला गया इस क्वेश्चन की खास बात क्या है एक तो जो आपका नया सिलेबस आया उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन आ गए जैसे कि आपका जो नया एक्ट आया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके क्वेश्चन कहां से आए फाइनल लेवल पे जितने सब्जेक्ट जितने सेक्शन रेलिवेंट थे वो सारे सेक्शन के क्वेश्चंस निकाल करके मैंने इसमें डाल दिए सारे एमसीक्यूज भी निकाल करके डाल दिए आपके एलएलपी एल पी एक्ट का क्वेश्चन कहां से आया फाउंडेशन लेवल से पास्ट में और एक मैंने क्या बोला था ओल्ड सिलेबस में भी था तो ओल्ड सिलेबस में भी जितने क्वेश्चंस बनाए इन्होंने डाल दिया और आपका फॉरेन कंपनी जो था वो भी फाइनल में था और वो ओल्ड सिलेबस में भी था दोनों निकाल करके डाल के अमेंड करके अपडेट करके ये बुक बन गई है दोस्तों एक बात बताऊं टू चांसेस है कि आपका पूरा पेपर इस बुक में से आएगा क्यों सर आपने इतनी अच्छी बुक बनाई क्या नहीं जब आईसीए पहला पहला न्यू सिलेबस में अटेम लेता है ना वो जनरली रिपीट क्वेश्चन देता ही देता है क्योंकि उसको बच्चों को डराना नहीं होता है तो हमको जब पता है कि पेपर इसी में से आने हैं और साढ़े तीन सौ क्वेश्चन है बस कितने थ्री फिफ्टी क्वेश्चन ओनली कितने दिन है तुम्हारे पास नब्बे दिन दिन के कितने क्वेश्चन चार क्वेश्चन दिन के चार क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए और दिन के दो पेज कर लिए तो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाएगा ये तो मैं बता रहा हूं जनरली चार क्वेश्चन क्या किसी दिन अगर तुम मेरे साथ दो घंटे क्लास में बैठोगे ना तो पूरा का पूरा 25-30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका डिस्कस करके राइट करके जो भी करना है आपको पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको ये बुक्स की ताकत समझनी पड़ेगी क्योंकि अगर तुमको बुक्स पे भरोसा नहीं होगा ना राजा तो तुम सिर्फ भटकोगे क्या करोगे भटकोगे कि भैया क्लास खत्म हो गई नहीं जम रहा है मेरे को नहीं याद हो रहा है ये सब चीजें पैनिक करोगे क्या अपने को पैनिक करना है क्या पैनिक नहीं करना है तो ये दोनों किताब किसकी बनानी पड़ेगी अपनी अब सर ये किताब तो मेरी होगी जो तुम पढ़ोगे तुम्हारी कितने किताब होगी तुम्हारे को कल से तीन रजिस्टर लाने है. कितने सर कितने तू नहीं बोला मुंह में दही जमा रखा है क्या है मुंह में उठ जाना भाई अभी क्या नींद क्या आ रही है देखो अभी भी नींद आ रही है ठीक है सुनो मेरी बात दोस्तों हाँ ठीक है सब लोगों ने वहां से पीस ऑफ पेपर मिलेगा तुमको उसमें अपना अपना नाम और फोन नंबर लिख दो अटेंडेंस तुम लोगों को देना है ताकि हमको पता चले कौन कौन हमारे क्लास का के हमारे रजिस्टर्ड बच्चा यहां पे नहीं बैठ पाया उसको हम बैठाएं मेरी बात सुनो दोस्तों क्या कहा मैंने तीन रजिस्टर कितने रजिस्टर तीन रजिस्टर तीनों रजिस्टर कितने कितने पेजेस के होंगे दो सौ पेजेस के रजिस्टर लाओगे क्या करेंगे सर तीन रजिस्टर का वट विल यू डू विद्री रजिस्टर्स स्क्रीन पे देखो सबसे पहला होगा आपका कॉन्सेप्ट बुक कॉन्सेप्ट बुक में क्या होगा मैं आपको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है आपके नोट्स में लिखवा के दूंगा सेक्शन बाई सेक्शन मतलब ये बुक में जितने कंपनीज एक्ट है ना पूरी कंपनीज एक्ट आपके नोट्स में भी उतर करके आएगी तो वो कॉन्सेप्ट नोट्स जो है ना इससे भी बड़ा हथियार बनेगा आपका मतलब एक अलग फील होती है ना यार अपने हैंडराइटिंग से लिखी हुई चीजें अपने चार्ट से बनाई हुई चीजें तो वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट होगी इसमें आप सबसे प्यारे हैंडराइटिंग को मेंटेन करोगे दूसरा क्या है? क्या है है डेली डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस बुक बुक हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन ये शुरू शुरू के दो तीन दिन ये चीजें नहीं होगी दो तीन दिन तो तुम्हारा बेस ही बन रहा है उसके बाद जब स्ट्रीमलाइन होगा तो हर दिन एक क्वेश्चन आपको लिखना है वो एक क्वेश्चन जो आप लिखोगे वो प्रैक्टिस बुक में लिखोगे सर ये बुक अलग करनी जरूरी क्यों है क्योंकि आप लिखने के बाद ना वहीं पे एक दूसरे कलर के पेन से टिक भी मारोगे कि भैया मैंने ये एरर किया था या ये मैंने ये ठीक किया था तो वो जब करेक्शन आप करोगे ना तो बाद में आप क्या कर सकते हो एग्जाम के पहले आप अपने ही बुक को पलटा के देख सकते हो कि मैंने क्या क्या एरर्स किए थे तो वो एरर्स आप कहां पे नहीं करोगे एग्जाम में नहीं करोगे तो उसके लिए हर क्वेश्चन एक जगह पे लिखा हुआ होना जरूरी है तुम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो तीन पेज की किताब ले लो और 100 पेज के बाद तुम्हारा कोई 200 पेज के बाद क्वेश्चन बैंक शुरू कर दो मतलब शुरू के 200 पेज में क्या बना रखे हो कॉन्सेप्ट बुक और आखिरी के 100 पेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम बना रखे हो और तीसरा क्या है स्क्रिबल अगर तुम ये कॉन्सेप्ट मेरे से सीख गए ना तुम्हारा थियोरी का प्रॉब्लम सॉर्टेड है तुम एक बात बताओ क्लास में नींद आती है नॉर्मल है कोई इसमें किसी का दोष नहीं है नींद क्यों आती है नींद इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो होता है ना वो 100 परसेंट ऑक्युपाइड नहीं होता है अगर मैं कोई चीज़ 100 परसेंट दिमाग लगा के सोच रहा हूं मेरे को नींद आएगी क्या मेरे को नींद नहीं आएगी मेरे को नींद कब आती है जब मैं सुन लिया मैं समझ गया फिर से रिपीट किए जा रहे हैं सर पर मेरे को एक बात बताऊँ क्लास क्या ऐसे पढ़ाऊं क्या जैसे साढ़े साढ़े तीन सौ वाले बच्चे बैठे क्या मैं क्लास इस तरीके से डिलीवर करूं जैसे साढ़े तीन सौ नहीं क्या मैं क्लास इस तरीके से डिलीवर करूं जैसे सब फेल हो रखे नहीं क्लास का एक एवरेज लेवल होता है कि भैया सब जस्ट पास हुए सबको कुछ नहीं आता पर दो बार समझाओगे तो समझ आ जाएगा तो दो बार समझाना मेरे लिए एज ए टीचर जरूरी है पर तुम अगर डेढ़ शाणे हो मतलब क्या तुमको समझ आ गया फर्स्ट टाइम में तो तुम क्या करोगे तुम नींद मारोगे नींद ढंग से पूरी होगी क्या क्लास के बीच में हाँ सर मेरी तो हो जाती है मैंने तो अभी अभी करके उठाऊ मैं पंद्रह मिनट से आपने क्या बोला मैंने नहीं सुना ऐसी हरकतें मत करना आपको क्या करना पड़ेगा उस समय आप कुछ और कर सकते हो जैसे कि क्या आपने कोई क्वेश्चन लिख लिया अपने नोट्स में या फिर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं मान लो मैं आपको सेक्शन हंड्रेड पढ़ा रहा हूं मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं तुमने लिख लिया पढ़ लिया मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं तुम उसको अपने समरी नोट से रीड कर लो वही चीज जो आपको घर जाके करना है वो आपने क्या करा समरी नोट से रीड कर लिया तो तुम्हारा ब्रेन अगर हंड्रेड एक्टिव होगा ना यू विल नॉट फील स्लीपी वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू क्या जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिखो ये आपका रफ नोट्स है पर ये रफ नोट्स इतना प्यारा बना सकते हो ना क्योंकि मैं क्लास में जब बताऊंगा ना कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी रैंडम चार्ट बन रहे हैं, और हर दिन एक ही कॉन्सेप्ट के चार अलग अलग तरीके से चार्ट बन रहे हैं। ये चार्ट्स आपने एग्जाम में लिख के नहीं आने पर ये आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए तो क्या सर आप इस तरीके से स्क्रीन में दिखा के लिखाओगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं रुक के लिखाऊंगा पर जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है बट तुम उसको स्क्रिबल करके लिखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट बैठेगी और ये हर स्टूडेंट का फीडबैक होता है भाई ये जो कॉन्सेप्ट बुक बनती है ना ये एग्जाम के पहले तुमको जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो देके जाते हैं और ये जो स्क्रिबल नोट्स होते हैं ना ये आपके डेली रिविजन में काम आता है आज तुमने पढ़ा क्लास जाकर घर जाके पढ़ना है तुमको घर जाके अगर तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है तुम पांच मिनट में वो स्क्रिबल नोट्स भी लोगे ना तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट का रिविजन हो जाएगा अरे समझे क्या yes, समझ ला का yes, लोग महाराष्ट्र से आ तुरा ठीक है हाँ <laughs> <थीके>, नीचे करो <laughs> नहीं बाहर से आते ही नहीं है क्या कितने लोग पुणे से संभाजी नगर जलगांव चलो बाकी मेरे को लगता है फैले कोई और मेजोरिटी पॉपुलेशन है कोई आसपास का अहमदनगर नगर, नगर? हाँ ठीक हा, है अहमदनगर से बस कहा ठीक है सुनो 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 तो ये आप लोगों का तीन नोट्स रहेगा कितने रजिस्टर लाओगे कल से सर ले आओ नोट्स ऐसा नहीं कि पंद्रह दिन तक मैं नोट्स ही नहीं ला रहा हूँ पंद्रह दिन में आधा कॉन्सेप्ट क्लिक करके खत्म हो जाएगा ये तीनों नोट्स आपके पास होने चाहिए अब सर आप लोगों को बुक्स कब मिलेगी फाइनल फेस टू फेस वालों को सर फेस टू फेस वालों को बुक्स कब मिलेगी पांच से छह दिन के अंदर और ऑनलाइन वालों को वही पांच से छह दिन बाद डिस्पैच होगा तो दस दिन के अंदर तक आपके पास बुक्स जो है वो पहुंच जाएगी वो बुक्स पहुंचने तक और ऐसा नहीं कि भैया लेट चल रही है बुक्स मेरे को शुरू में देने ही नहीं आपको अभी मैं बुक्स दे दूंगा तुमको तुम लोग कुछ नहीं लिखोगे तो आराम से शुरू के सात दिन हम लोग पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं अपने लिखने का फ्लो बनाते हैं जब तुम्हारा लिखने का फ्लो बैठ जाएगा ना तुमको समझ आ जाएगा ये चीजें तो अपने को मैंडेटरी लिखनी सर मैंडेटरी लिखनी है तो उस केस में आप क्या करोगे उस केस में आप उसको लिख लोगे और फिर मैं आपको बुक्स दे सकता हूं और जो लोग ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे तुमको नोट्स मिल जाएंगे सर लास्ट ज्ञान फिर पक्का कंपनीज क्या बात कर रहा हूं अभी तक शुरू नहीं किया मैं बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट शुरू कर दूंगा मतलब हमारा सिलेबस शुरू कर दूंगा लास्ट ज्ञान सर किसको किसको फाउंडेशन लॉ से डर नहीं लगता है प्लीज अपना हाथ उठाओ किसको किसको लॉ से डर ही नहीं लगता है बोले मैं तो एग्जामिशन तो ले ही आऊंगा बस टीचर में दम होनी चाहिए मेरे में तो है ताकत तो टीचर में होनी चाहिए मुझ में तो है एक बार हाथ उठा लो ठीक है ओके अब ये बताओ किसको किसको लॉ से हल्का हल्का डर लगता है जो बाकी लोग बीच वाले थे बीच वाले मत बोलो या तो इधर या इधर मेरे को बताओ ऐसा डर भी नहीं लगता डर लगता भी है ये क्या बात है भाई किसको किसको लॉ से डर हल्का हल्का डर लगता है हाथ उठाओ ढंग से ठीक है डर वाले बहुत है सर किस चीज का डर लगता है लॉ से खा जाएगा हमको क्या डर लगता है आपको लॉ से हा? राइटिंग। कि सर हम लिखते हैं पर हमसे लिखाता नहीं है और लिखते हैं तो हम तो अपने मन में अच्छा लिख के आते हैं अंदर से तो वाह वाह निकलती है एग्जामिनर नहीं देता है वाह वाह क्यों एक बात समझो दो चीजें समझो कि एक तुम में भी कमी है एग्जामिनर एक एक में भी कमी है क्या एग्जामिनर का ईगो है वो तुमको चार में तीन से ज्यादा नहीं देगा तुम कितना भी सटीक आंसर क्यों लिख दो इट इज नॉट अकाउंट्स वाउंट्स एंड थियरी पेपर अकाउंट में अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल ने सोल्व किया तुमने सही जर्नल एंट्री मारी तुम्हारा मैच हो गया ही मार्क्स देर इज नो रीजन टू कट मार्क्स बट थियरी इज अब्जेक्टिव टॉपिक यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है तो यहाँ पे पूरे मार्क्स कभी भी नहीं देता अगर तुमने चार में से तीन लाया है ना मतलब यू आर क्लोज टू परफेक्शन यू आर क्लोज टू परफेक्शन इफ तुमने चार में से दो लाया इट इज गुड सो यू विल हैव टू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लॉ का पेपर तुमको अगर चार में से ढाई दे रहा है तो सर मेरे को नहीं समझ आया डेढ़ मार्क्स क्यों काटे उसकी मर्जी थी और वो काटेगा भाई उसको तुम समझो नहीं तो उनके पास पेप जो उनको रिजल्ट रोकना होता है मान लो आठ परसेंट पर रिस्ट्रिक्ट करना होता है कैसे करेंगे अकाउंट्स में थोड़ी काटेंगे केस कर देगा बच्चा तो काटते कहाँ पर ये लोग लॉ में पर सर ये तो उनकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको हम जज भी नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं चार में ढाई मांग सकते हैं हक से हम चार में ढाई मांग सकते हैं मतलब इफ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वी कैन गेट थ्री टू एंड हाफ हाउ डू वी डू दैट सर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग प्रैक्टिस जो तुमने फाउंडेशन में करी है उससे कई ज्यादा गुना अच्छी आपको राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे करनी पड़ेगी पेपर लिखने का एक फ्लो होता है पेपर लिखने का एक तरीका होता है कि भैया इस तरीके से पेपर लिखो क्योंकि एग्जामिनर भी उसी तरीके से पेपर चेक कर रहे हैं अब एक कड़वा सच बताऊं सर क्या हर एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहे हैं क्या उसको लॉ आता है उसने कभी तो भी पढ़ा होगा पर उसको अगर तुम बोलोगे भाई सेक्शन नंबर 240 बता वो नहीं बता पाएगा उसको लॉ नहीं आते तुम पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ रहे तो मतलब वो कैसे चेक करेगा तुम्हारा पेपर एक तरफ उसके पास सजेस्टेड आंसर रहेगा और दूसरे तरफ तुम्हारा आंसर रहेगा ये सिर्फ वन टू वन मैच करेगा सिर्फ वन टू वन मैच करेगा इसका मतलब ये कि सजेस्टेड आंसर में अगर बेर एक्ट का लैंग्वेज लिखा है और तुमने अगर चार्ट बनाए तुमको मार्क्स देगा क्या वो वो क्या तोड़ेगा क्या कि तुम्हारा सजेस्टेड आंसर और चार्ट्स कैसे तुमने चार्ट्स कैसे बनाया राइट टू कट योर आंसर एंड गिव यू जीरो मार्क्स सो हाउ विल यू गेट मार्क्स ओनली इफ यू कम क्लोजर टू द बेयर एक्ट बेयर एक्ट के लैंग्वेज से जितना क्लोज रहोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको सर ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज से क्लोज कैसे हो हमारी तो इंग्लिश का ही बेटा करके ंग से इंग्लिश नहीं निकलती और हमको तो व्हाट्स व्हाट्सएप का जमाना है एक बच्चा पिछले मैच में लिखता है टेस्ट हुआ था पहला टेस्ट टेस्ट में लास्ट लाइन में लिखा एंड हेंस इन दिस केस द कंपनी इज गोना लूज द केस कंपनी इज गोना लूज द केस अबे व्हाट्सएप चैट चल रहा है क्या तू क्या उससे बात तेरे दोस्त लगता है वो बंटी हार जाएंगे हम ये क्या बातें चल रही है भाई गोना लूज द केस क्या होता है ये ना चीजें छोड़ दो और तुम समझो तुम्हारा जो रियल लाइफ है वही तुमको यहां पे इंप्लीकेशन लाके देगा तुम यहां पे द नहीं लिखोगे फिर डी लिख के आओगे बोलोगे डी केस तो तुम लोग भैया ये सब तुम चाह के भी वो क्या बंदा जान मुझ के किया क्या मेरे को मेरे पेपर का मेरे को जेन जी वाला पेपर दिखाना है तो मैं गौना लिखेगा <laughs> भैया ऐसा नहीं होता है तुम लोगों का ना वो नेचुरली आ जाता है क्यों क्योंकि तुम अपने डेली लाइफ में वैसी चीजें कर रहे हो तो हम जैसे लोग नर्ड लोग हम लोग चैट में भी पूरा पूरा लिखते हैं भाई हम लोग चैट में कंपनी को सीओ एम पी एन भाई पूरा, पूरा पूरा लिखते हैं ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते क्योंकि आदत बन जाती है तो तुम लोग ये समझो कि वी विल डू अ लॉर्ड ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस और तुमको अपनी नेचुरल इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज धीरे धीरे करके इंप्रूव करना पड़ेगा इसीलिए तो आठ महीने दिए इसीलिए तो तुमको समय मिला है क्योंकि तुम अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं आठ महीने में तो तुम बदल ही जाओगे भाई ठ महीने में तुम समझ लेना यू विल बिकम टाइम्स स्मार्टर देन यू आर सो दैट जर्नी हैज टू बी टेकन राइट तो आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अब जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है और वो बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में मैं एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा तुम घर में अपनी मेहनत से एक क्वेश्चन और लिख के आओगे पूरी क्लास को मैं ये मान के चलता हूं कि इंग्लिश ओके ओके अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है विच इज नॉट अ प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होता है पर तुमको ये लेना पड़ेगा अपने पे कि भाई सारे बच्चे अगर घर जाके दो घंटे की मेहनत कर रहे हैं मेरे को चार घंटे की मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आई स्टैंडर्ड पार विद तो आप लोगों ने जो भी नॉर्मल में क्लास में अगर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक होमवर्क दे रहा हूं तो वो एक होमवर्क के, के जगह आपके लिए कितने होमवर्क होंगे दो होमवर्क अगर आप लोग बहुत सारे लोग हो तो तुम मेरे को बता देना तुम्हारा होमवर्क भी मैं ही दे दूंगा कि भैया तुमने आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन लिखना चाहिए ताकि तुम रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना लिख लो पर तुमको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी किसको करनी पड़ेगी नुँ। पक्का ठीक है सर अब चलो अब क्लास शुरू करते हैं क्या शुरू करें सर कंपनी एक्ट शुरू कर ले कंपनी एक्ट पढ़ना है तुमको बचपन में कंपनी एक्ट पढ़ा था हां मेरे को कोई बता सकता है कंपनी एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं एनी वन बताओ 20, नाइन चैप्टर्स एनी एल्स हाँ, बोले इलेवन चैप्टर्स। बोले मुद्दे की बात करो सर आपने पूछा कितने चैप्टर हमारे लिए उतने जितने हमारे सिलेबस में है, है ना नहीं मैं ये पूछो पूरे कंपनी साइट में कितने चैप्टर्स हैं देखो पता है आप डू यू नो सामने वाला व्हाइट शर्ट में जो है हाँ तो बताओ ना यार हाथ उठा के ऐसे तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कम से कम हाथ तो उठाओ बच्चे पूछते रहते हैं सर एक सेकंड कैमरा है स्माइल करने दो <laughs> मजाक कर रहा हूं सुनो ये मैं हर बार करता हूं सुनो है ना ठीक है <laughs> मैं क्या बोल रहा था आपकी कंपनीज एक्ट में जो है ना ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स है मैं आपको उससे भी पहले ये बोल रहा था क्लास में पार्टिसिपेट करो बच्चे पूछते हैं सर 500 बच्चे की क्लास है हम तो खो जाएंगे हम तो मिलेंगे नहीं तो खो ही जाओगे ना ऐसे बैठोगे तो 50 बच्चों की क्लास में भी खो जाओगे जो बच्चा टीचर से नहीं बात करेगा टीचर क्या उठना भाई बात करना मेरे से कैसे कर रहे हैं नींद कैसे आ रही है तुमको उठो ना अभी तो बारह ही बजे ऐसा थोड़ी होगा तुम लोगों को खुद से एक्टिव रहना पड़ेगा अब सर सुनो कंपनीज एक्ट आप अपने अगले पेज में हेडिंग डालो कंपनीज एक्ट टू इतना क्या पेज घुमा दे रहे हो भाई कंपनीज एक्ट एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा जिसको जिसको पता है हाथ उठाना लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है आपने बोला सर आपने बोला पहले कॉरपोरेट लॉ करेक्ट एल डब्ल्यू लॉ फिर आपने बोला उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट तो ये लॉ में ऑनलाइन वाले बच्चे तुम भी बताओ लॉ में और एक्ट में क्या फर्क होता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट येस सर एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ठीक है वॉट इज एक्ट बस इतना इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ठीक है बैठ जाओ गुड ही इज राइट एंड आपको पता था ये ठीक है? है मेरी बात सुनो सर अगर लॉ और एक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस है समझना अगर मैंने सोचा कि स... मैंने विशाल सर से बात करी मैंने सर को क्या बोला सर अभी क्लास है क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो हमको उनको मैनेज करने के लिए ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे नियम कानून कुछ बनाने पड़ेंगे तो मैं क्या बनाने की बात कर रहा हूं मैं लॉ बनाने की बात कर रहा हूं दैट वी विल हैव टू मेक सम सम लॉ लॉ वी विल हैव टू टू पुट इन प्लेस डू वॉट मैनेज द क्लास इज वाई बिगर ऑब्जेक्टिव टू मैनेज द क्लास अब विशाल सर ने बोला लॉ कौन बनाएगा भाई किसके पास टाइम है मैंने विशाल सर को क्या बोला विशाल सर आप बस ये बता दो कि कौन कौन से एरिया में हम अटैक कर रहे हैं जिससे हमसे क्लास मैनेज हो पाए तो सर ने बोला एक काम कर भाई तू अटेंडेंस का देख ले कि अटेंडेंस में ये लोग सब आ रहे हैं कि नहीं तो ये देख ले ये लोग प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं तो ये देख ले प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं ये तीन चार चीज़ें हैं जहां पे विशाल सर ने बोला तू अटैक कर तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं ना जिसपे हम अटैक कर रहे हैं ज टेक्निकली वॉट वी आर वी आर मेकिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्ट छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिसको मिला करके हम क्या बोलेंगे ये पूरे के पूरे जो है, ये मिला करके क्या करते हैं आपके लॉ यानी क्लास को मैनेज करते हैं जैसे कि आपने बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा था बिजनेस लॉ बिजनेस लॉस मतलब क्या वो लॉस जो बिजनेस को अप्लाई करते हैं आपके चार पांच लॉ है क्या जो बिजनेस को अप्लाई करते बतेरे लॉ है भाई जो आपने पढ़ा भी नहीं है लेबर एक्ट होता है वो भी आपके बिजनेस को अप्लाई करता है उसमें से कुछ आपने पढ़ा कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें जैसे कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप एक्ट ये बिजनेस को अप्लाई करता है तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एक्ट इज एक्ट इज स्पेसिफिक टू वन डायरेक्शन एक्ट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है सर कि हम पार्टनरशिप फॉर्म्स को मैनेज करेंगे सही बोला कि नहीं सही बोला कि नहीं? नहीं सो रहे हो क्या सर कंपनीज एक्ट मतलब जो किसको मैनेज करेगा कंपनीज को तो कंपनीज कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है टू रेगुलेट एक जगह पे फॉर्म किया हमने एल एल पी पे, पे फोकस नहीं किया हमने कंपनीज पे फोकस किया तो वैसे ही एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म उसमें एक हिस्सा होता है एक्ट अब सर एक्ट के साथ आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने क्या जैसे कि रूल्स nice है ठीक है रूल्स क्या होते हैं कोई एनी वन हैव यू एवर हर्ड ऑफ रूल्स वर रूल्स एक्ट प्लीज कोई बोल रहा था एक्ट को एक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या बनाते हैं रूल्स बनाते हैं ये एकदम गलत है ये वाला आपका ये मीनिंग नहीं होता रूल्स का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना रूल्स क्या होता है वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक एक्ट बनता कैसे सर एक बार एक्ट बनता कैसे किसी को पता है डू यू नो हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर किसको किसको पता है एक्ट कैसे बनते हैं सर हाथ उठाओ नहीं पूछूंगा पक्का <laughs> बस बाकी लोगों को नहीं पता पक्का तो सुनो सर एक्ट कैसे बनता है मेरे को बताओ कंपनीज पता कंपनी बनाओगा तुम्हारे हिसाब से एक दिन मोदी जी ने उठे बोले दोस्तों मित्रों हमको क्या करना है कंपनीज मैनेज करना है तो ले बना एक्ट ऐसे बनता है क्या कंपनीज एक्ट इस तरीके से मोदी जी या एक अमित शाह बैठकर के कंपनीज एक्ट बना लेगा क्या नहीं एक्ट बनाता कौन है सर एक्ट बनाने का पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर ये पावर आता कहां से डू यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भाई अमित शाह ने अमित शाह ने नहीं भाई बी आर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आपको पता है जैसे कंपनीज़ एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है आर्टिकल्स ये तुम अपने नोट्स में लिखो हेडिंग डालो हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं आर्टिकल्स आर्टिकल्स मतलब एक एक सेक्शन जो होता है ना उसको ये लोग बुलाते हैं आर्टिकल उसमें है एक आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 जिसमें क्या लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने बोला कि लॉ बनाने का पावर है ना हम तीन लोगों के हाथ में देंगे किसके हाथ में देंगे तीन लोगों के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ लॉस बनाने का पावर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ लॉस बनाने का पावर और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर के कुछ लॉस बनाने का पावर ये तीन अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और ये तीनों पार्ट का पावर किसको दे रखा है रेस्पेक्टिव पर्सन को जैसे कि ये तीन लिस्ट बनाया इन्होंने पहला वाला लिस्ट क्या है सर, पहले वाले लिस्ट को इन्होंने नाम दिया यूनियन लिस्ट क्या नाम दिया यूनियन लिस्ट दूसरा वाला स्टेट लिस्ट और तीसरा वाला कॉन्करेंट लिस्ट तीसरा वाला क्या नाम दिया कॉन्करेंट लिस्ट ये तीनों लिस्ट का मतलब क्या है सर पहला स्टेट यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है दोस्त व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट मतलब हां बोलिए मैडम तो, uh, तो यूनियन लिस्ट लिस्ट मतलब क्या बहुत सारी चीजें लिखी होगी कुछ ऐसी चीजें लिखी है इसमें जिसके बारे में लॉ बनाने का पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट रुको जरा दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट मतलब क्या कुछ ऐसी चीजें जिसका लॉ बनाने का पावर किसके पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फर्क क्या हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया मोदी जी बीजेपी जो है वो कौन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अगले साल इलेक्शन में देखते हैं कहीं पोप राहुल गांधी जी ना आ जाए भाई YouTube बंद करो भाई <laughs> कहीं राहुल गांधी जी, जी ना आ जाए ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं लूंगा भाई कल ये लेक्चर पुराने हो जाएंगे फ्रेश लेक्चर है ये अभी महाराष्ट्र के स्टेट का नहीं हमारे ओडिशा के स्टेट का देखो 20 साल से एक ही सरकार है नवीन पटनायक की बीजेडी की सरकार है बीस साल से ऐसा नहीं पंद्रह दिन के अंदर बदल गया अच्छा फिर पार्टी पांच दिन डेमो खत्म हो जाने दो उसके बाद जब प्राइवेट में लेक्चर्स करेंगे तब बातें करेंगे ठीक है तो स्टेट आपका ये क्या हो गया क्योंकि मैं अकेडमी का लोगो लगा है मेरा नहीं मेरे साथ साथ किसी और की भी लग जाएगी तो सुनो तो ये हो गया स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट मतलब क्या स्टेट लिस्ट मतलब उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उसका लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है स्टेट गवर्नमेंट जैसे तुमने ये तुमको ये पता है क्या कि जो एल्कोहल होता है लिकर उसका पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है पता क्यों है भाई तुमको ये तुमको ये नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया किसने लिखा वो साला अमित शाह बोल रहे हो पर तुमको ये पता है दारू का पैसा सरकार के पास जाती है तो स्टेट लिस्ट में क्या लिखा है स्टेट लिस्ट में लिखा है एल्कोहल ड्रग्स जो होते हैं ड्रग्स मतलब मेडिसिन बे हाँ ठीक है तो एल्कोहल ड्रग्स का पावर किसके पास है स्टेट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट क्या होते हैं मतलब जिसके बारे में लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है इसमें जैसे की चीजें आती है एजुकेशन या फिर आपका फॉरेस्ट हो गया फॉरेस्ट जो होता है उसमें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर होता है तो दोनों मिलाकर के लॉ बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया इन्होंने तीन तीन लिस्ट में डिवाइड कर दिया बोले इस इसपे नियम सेंट्रल गवर्नमेंट तू बनाना इस इसपे नियम स्टेट गवर्नमेंट तू बनाना और इस पे नियम तुम दोनों मिल करके बना लेना और इस तरीके से तीन लिस्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया सर तीन लिस्ट लिखना नहीं लेकिन स्क्रीन पर देखो मैडम क्या दिखाई यूनियन लिस्ट पहला डिफेंस जो इंडिया का सबसे बड़ा खर्चा होता है डिफेंस उसके बारे में ऑन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग करेंसी पैसा फॉरेन अफेयर्स अफेयर्स समझ लो ना जो फॉरेन अफेयर्स मतलब क्या है? जो फॉरेनर्स के साथ होते हैं <laughs> अरे फॉरेनर्स के साथ ही होता है ना फॉरेन अफेयर्स मतलब क्या जो बाहर वाले लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है ठीक है उसके बाद कम्युनिकेशन जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है ये सारे और बहुत सारी और चीजें भाई उसके बारे में, उसके बारे बारे में में पावर कहां से आते हैं यूनियन लिस्ट से आते हैं जैसे कि आपको बताए आपका जैसे ये लॉ है तो लॉ में कंपनीज एक्ट है वैसे ही आपका आगे इनकम टैक्स एक्ट है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो ये जो दोनों एक्ट है ये भी कहां से बनता है आपको यूनियन लिस्ट में पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू इनकम पे टैक्स लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो जीएसटी लेगा तो ये पावर यूनियन लिस्ट से आता है उसके बाद सर यहां पे देखो स्टेट गवर्नमेंट यहां पे दूसरा वाला क्या है स्टेट स्टेट लिस्ट क्या क्या लिखा है पुलिस किसका मैटर है स्टेट का ट्रेड एग्रीकल्चर एल्कोहल यहां पे मैंने लिखा तुम बोलोगे एग्रीकल्चर क्या बता रहे हो सर इरीगेशन क्या बता रहे हो थोड़ा पॉइंट पे आओ तो मैंने पॉइंट डाल दिया यहां पे एल्कोहल्स के बारे में लिखकर के बारे कोई है क्या नहीं, नहीं पिछले नहीं। क्लास में थे <laughs> उन्होंने लिया नहीं फिर क्लास सुनो अल्कोहल लिकर्स ओपियम नार्कोटिक ड्रग्स ये सब लिखा हुआ है भाई मैं घर से बना के नहीं लाया हूं ये सब लिखा हुआ है यहां पे और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है सर क्या लिखा है हेडिंग देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मेक लॉस पहला एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड मैरिज एडॉपशन सक्सेशन सर ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इरेलीवेंट है ये सारी चीजें आपके लिए इेलिवेंट है ये बस एक क्लास आपको मैं थोड़ा सा बेस दे रहा हूं कि लॉ वगैरह कैसा आया एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद तुमको ये कुछ याद नहीं रहना मैं तुमको पूछूंगा लिस्ट क्या है तुम है तुम इज वेंट लिस्ट वो बाद में देखेंगे तो अभी ये क्यों समझ रहे हैं सर क्योंकि आप समझो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि लॉ कैसे बनता है या एक्ट कैसे बनता है क्योंकि आप सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ने वाले एक तो छह एक्ट पढ़ने वाले हो उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी भी तो एक्ट है ना तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जो लॉ पढ़ रहा हूं इतना सारा वो कौन बना के जा रहे कोई बना रहे तभी तो हमारा को, हमारे को पढ़ना पड़ रहा है ना तो आपका लिस्ट पावर किसने दिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया ने ने दिया ने दिया अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि तू कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्ट बनाएगा सर मोदी जी एक दिन घर पर के चिट्ठी लिखेंगे क्या कि मेरे को एक्ट बनाने का कंपनीज एक एक्ट नहीं सर मोदी जी को अगर एक एक्ट बनाना है तो उनको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन से पर अब बनाएंगे कैसे उन्होंने सोचा प्रैक्टिकली सुनो क्या होता है उन्होंने सोचा मेरे को किसको रेगुलेट करना है कंपनीज को रेगुलेट करना है तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं हाँ कि नहीं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हेल्थ मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपके लिए पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेरे को बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है आज की डेट में अरुण जेटली जी 2016 तक अरुण जेटली जी थे पर उनके ही वॉज ही वॉज वेरी वेल डूइंग वर्क बट डूइंगन अनफॉर्चुनेटली पास अवे तो अरुण जेटली जी के जाने के बाद किसने पोजिशन लिया निर्मला सीतारामन जी ने तो निर्मला मैडम ने क्या किया शी बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर एक बार इसका फुल फॉर्म बोलो तो एक बार जोर से सेमसी ए मिनिस्ट्री ऑफ इसमें क्यों हंसे भाई यार इंसान हिचकी ना ले गया तुम बता दो बस हा मैं क्या बोला एमसीए उसमें तुमको क्या हसी है उनको उसमें तुमको सीए नहीं दिख रहा हाँ तुम्हारी सोच है तुम्हारी नजर है है भाई तुमको सीए नहीं दिखा हंस रहे हो तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर मतलब कंपनी से लेना देना किसको है? इस मिनिस्ट्री को है तो निर्मला मैडम इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज है तो मोदी जी ने अरे मैं कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं लेकिन है यही कॉन्सेप्ट मोदी जी ने क्या किया निर्मला मैडम को फोन लगाया बोले मैडम आपके डिपार्टमेंट के लिए काम है हमको कंपनीज के लिए एक्ट बना के चाहिए

लेजेट उनको क्या कर दिया जाएगा अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा अंडरग्राउंड होकर क्या लिखेंगे, ये लो पूरा का पूरा नया लिखेंगे. अपने हिसाब से ये लो लिखेंगे. दस लो इन्होंने क्या किया, पूरा लिखा. नहीं, से पूरा किया. अब इन्होंने जो दस लोगों ने लिख दिया क्या वो एक्ट बन गया क्या इज इट एन एक्ट नो कैन से इट्स लॉ के लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं बिल लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बिल बिल बना बिल किसने बनाया दस लोगों ने बनाया पर इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है क्या मैंने क्या वर्ड यूज किया लीगल सेंटिटी मतलब क्या लॉ में अगर कोर्ट में जाकर के कहीं पे लड़ाई होगी तो क्या इन्होंने जो लिखा है क्या वो काम आ सकता है क्या नहीं और ये तो अंडरग्राउंड है ना हमको तो पता भी नहीं है ना ऐसी कोई चीज हो रही है तो अब क्या होगा इसको हम लीगलाइज करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसको हम लॉ बनाएंगे कैसे ये जो बिल बन गया ना अब ये जा करके ये मिनिस्ट्री को देंगे और मिनिस्ट्री क्या करेंगे इसको ले जा करके अप्रूव करवाएंगे कहा अप्रूव करवाएंगे इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा विधान परिषद हो ना होश में क्लास में हो ना बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तो ये विधानसभा विधान परिषद क्या है ये तो स्टेट का है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कौन हो गया लोकसभा और राज्यसभा तो आप कहां जाओगे आप जाओगे लोकसभा के पास अप्रूव करवाया और उसके बाद राज्यसभा के पास जाओगे अप्रूव करवाया ठीक है हाँ ठीक हाँ है ये दोनों अप्रूव हो गया इसके बाद क्या सर ये दोनों ने जब एक बार जब तुमको मैं पूछ रहा था एक्ट कैसे बनता है तो तुम्हारा हाथ नहीं उठ रहा था अभी तुम मेरे को प्रेसिडन्त प्रेसिडन्त। तुम मेरे को को बता बता रहे हो सर इसके बाद प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आएगा तब देते तो समझ आ जाता आता है तुमको लोकसभा और राज्यसभा के पास के बाद कहां पे जाएगा ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के असेंट के लिए किसके लिए असेंट के लिए मतलब प्रेसिडेंट के हां के लिए अगर प्रेसिडेंट ने उसको हां कर दिया तो वो क्या बन जाएगा तो वो बन जाएगा एक एक्ट बिल क्या बन गया एक्ट बन गया मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया समझे क्या हाँ सर पर एक बात बताओ एक सवाल आया पहले लोकसभा के पास जाए कि राज्यसभा के पास जाए पहले लोकसभा के पास उसके बाद राज्य पर सर मैं होशियारी मार रहा हूं मैं बोल रहा हूं नहीं मैं पहले राज्यसभा के पास जाऊंगा फिर लोकसभा के पास जाऊंगा क्या मैं जा सकता हूं क्या मेरे ना शुरू में मत जाया करो तुम जा सकते हो तुम पहले राज्यसभा में अप्रूव करवा के फिर लोकसभा में जा सकते हो लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोकसभा में पहले जाना है लॉन्म में क्या लिखा है यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हमने सीक्वेंस बताया क्या नहीं Similarly, सर आपको बताए मैं सोच रहा हूं मैं तुमको बता दू कि नहीं बताऊं क्योंकि यह सवाल का जवाब थोड़ा सा बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन में तो छोड़ देते तुम मेरे को नहीं चलो मैं बता देता हूं नहीं तो तुम बोलोगे सौर ने तो गलत बताया था सुन लो सर आपको पता है फाइनेंस एक्ट नाम की एक चीज होती है क्या होता है फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है हर साल आता है और तुम्हारे रिलेटिव का कॉल आता है तेरे को समझ आया क्या बोले नहीं भाई अभी मैं फाउंडेशन निकाला हूं सीए <laughs> थोड़ी बन गया हो पर उनको लगता है समझ आएगा तो तुम लोग भी क्या एक तारीख को न्यूज चला के बैठते हो फर्स्ट फेब्रवरी को बोले आज हमारा कुछ तो भी स्पेशल है सीए वालों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है हम न्यूज चला के बैठते हैं बोले ये हो गया वो हो गया हम बोले हाँ ठीक है हमारे लिए तो सब अमेंडमेंट है हमको तो बैठ के बाद में पढ़ना है पर सर ये फाइनेंस एक्ट क्या होते हैं फाइनेंस एक्ट होते क्या होता है आप वो इनकम टैक्स के लेक्चर में सुनोगे पर एक बात समझना कोई भी बिल कोई भी बिल अगर एक्ट बनना है ना तो उसको दोनों हाउसेस का अप्रूवल लगेगा पहले राज्यसभा भी होगा तो चलेगा पहले लोकसभा भी होगा तो चलेगा पर जो फाइनेंस बिल होता है ना क्या बिल फाइनेंस फाइनेंस मतलब जो पैसों का मुद्दा होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा वो पहले राज्यसभा में नहीं जाएगा तो जब आपका फाइनेंस बिल जब आके अप्रूव होता है तो वो कहां पे जाता है लोकसभा में उसके अलावा कोई भी और बिल हो तो मैं सब लिखवाऊंगा टेंशन मतलब मैं सब लिखवाऊंगा जो आपका फाइनेंस बिल होता है वो पहले लोकसभा में जाता है उसके अलावा यू कैन गेट इट एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल फिर कहां पर जाओगे आप प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने हा बोल दिया अब क्या बन गया वो एक्ट सर प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया मैं क्या रोज चेक करूंगा आज प्रेसिडेंट ने किसको किसको हाँ बोला मेरे को कैसे पता चलेगा ये एक्ट मेरे को एप्लीकेबल है कि नहीं हाउ विल आई नो दे विल दे मेक इट पब्लिक सर सरकार की एक वेबसाइट है जिसको हम प्यार से प्यार से तो नहीं बोलते हम ज्यादा लेकिन हम क्या बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट वट इज ऑफिशियल गैजेट ऑफिशियल गैजेट इज अ वेबसाइट जहां पे ये सारा फॉर्मल नोटिफिकेशन डालते हैं तो वो क्या करेंगे जो कंपनीज आर अप्रूव हो गया ना वो उसको ला के यहां पे ऑफिशियल गैजेट में डालेंगे और जब गैजेट में डाला तब माना जाएगा कि आपका एक्ट जो है वो अभी चालू हो गया है और आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो गया अरे समझे क्या यस और नो नोट्स में लिखो आपने हेडिंग डाला हाउ डज एन एक्ट कम इन टू पिक्चर स्टेप नंबर वन Constitution of India Constitution of India empowers Government to make laws Constitution of India empowers Government टू मेक लॉज एज फॉलोज तीन पार्ट आएगा पहला यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में किसको पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा स्टेट लिस्ट किसके पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट तीसरा कॉन्करेंटलिस्ट किसके पास पावर है बोथ सी जी एंड एस जी दिखा मैडम आपने दिखाई नोट्स ठीक है कॉन्क्रेंट लिस्ट बोथ सी जी एंड एच जी स्टेप नंबर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री

ऐसे लिखो ना जैसे अपना नोट्स लिख रहे हो ऐसे मत लिखो ना जैसे उधार का मैं पचास रुपए एक पेज का मिल रहा है बाजू वाले के लिए लिख के दे रहा हूं अपना नोट समझ के लिखो दिस इज योर फेयर नोट्स ऑलरेडी आई वॉन्ट योर दिस टू बी योर फेयर नोट्स अगर तुम जैसे क्लास ले लियो पर तुम फेयर नोट्स ले नहीं ले लेके आए हो तो आज इसको घर जाके उतार लेना मेरे को पता है फर्स्ट डे तुम्हारा तुम बहुत बिजी रहोगे पर ये क्लास घर जाके उतार लेना ताकि आपका रिदम सेट हो जाए हाँ कि नहीं भाई ओ भाई पक्का ठीक है सेकेंड पॉइंट आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था बिल इज देन अप्रूव्ड फोर्थ पॉइंट लिखो आफ्टर अप्रूवल ऑफ एच ओ पी वॉट डू मीन बाई एच ओ पी हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ एच ओ पी दिल इज सेंट फॉर देंट ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट इट इज पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ऑफिशियल गैजेट को ब्रैकेट में डाल के लिखो ओजी After President's assent, इट इज published इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया तो अब क्या हो गया बिल आपका एक्ट बन गया बिल जो है वो प्रॉपर एक्ट बन गया अब सर समझो बिल को एक्ट बनाने में मेहनत कम है कि ज्यादा है बिल को एक्ट बनाने में मेहनत कम है कि ज्यादा है अरे कम बोलने वाले एक बार सोचो तुम लोकसभा और राज्यसभा में लेके जा रहे हो ठीक है वहां पे एक और जना बैठा है राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी बैठे हैं उनको तुमको कंपनीज एक्ट समझाना है और उनसे अप्रूवल लेना है और फिर आगे बढ़ना है क्या वो तुमको बोलेंगे हाँ हाँ मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा ऐसा बोलेंगे क्या क्या वो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं कंपनी क्या देश की तरक्की की बात कर रहे हो नहीं, नहीं 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 गलत कर रहे हो तुम ये गलत बात है ऐसी चीजें करते हैं वो लोग तो सर कोई भी चीज लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव करवाना इतना आसान नहीं है तो एक बिल जो है ना इतनी आसानी से एक्ट नहीं बनता है पर यू विल हैव टू

ये तो तुमने सुना होगा ना आजकल ब्लैक मनी काम नहीं आता है क्यों क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है ना मोदी सरकार इज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन एंड यू विल नोटिस जो बिल जो होता है ना बिल के बाद लोकसभा का अप्रूवल फिर राज्यसभा का अप्रूवल फिर प्रेसिडेंट का एसेंट फिर ओजी में पब्लिशिंग ये स्टेप होता है पहले ये स्टेप करने में डेढ़ साल लगता था जब से मोदी जी आया है ना अगर बिल बन गया है मार्च के महीने में मान लो मार्च दो को बिल बन गया है तो ये ऑफिशियल गैजेट में मई दो तक आ जाता था मतलब इन जस्ट अ स्पैन अफ टू गेट इट अप्रूव्ड एट लोकसभा राज्यसभा एक्ट बनाओ काम शुरू करो वो सो सौ के काम करने वाला हिसाब अब और नहीं रहा पहले अगर आप देखोगे जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1997 में लिखा गया था 1991 में 1999 में एक्ट बना यहां पे नहीं 2016 में बिल आया जो आपका ये 2016 का मैंने एग्जांपल दिया है ये लेजिट इंसॉल्वेंसी बैंक कोड का है मार्च में इन्होंने बिल लाया अप्रूवल लिया एक्ट को निकाल दिया रेरा का भी वही हाल था तो तुम समझो जो काम है ना वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया और काम स्पीडअप हो गया और एक और इनपुट भी है कि सर लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव कैसे होते हैं अप्रूवल के लिए मेजोरिटी लगता है तो जब सरकार मेजोरिटी अपने बीजेपी की है तो आपको अप्रूव करवाने में प्रॉब्लम भी क्या आएगी वो फटाफट अप्रूव भी हो जाता है पर तुम समझो एक तो होता है अप्रूव हो जाता है पर उसको सामने रखना उस पर बातें करना अप्रूव करवाना इट इज नॉट इजी बट दैट इज वॉट बीजेपी इज डूइंग तो ये हमारा सर एक्ट बन गया अब तुम समझो सर एक एक्ट तो तुम समझ गए अब रूल्स क्या होते हैं वॉट आर रूल्स कैन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट रूल्स आर कोई एक गेस मारो रूल्स क्या होते हैं एक्ट को चलाने के लिए रूल्स ठीक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सुनना बहुत रॉ समझाऊंगा प्रॉपर नहीं समझाऊंगा में आपका एक सेक्शन है टू एटी फाइव सुना है सेक्शन टू एटी फाइव सुना है इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया था हाल फिलहाल में एक स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है किसका स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं ठीक है जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो छोड़ दो मैं आपको सिर्फ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं रूल्स क्यों बनते हैं प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या अगर नहीं सुनोगे तो फालतू का एक कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा जो कोई नहीं बताने वाला प्लीज मेरी बात सुन लो सर अगर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन एक्ट में मैं सपोज कर लो क्या लिखता मैं लिखता स्मॉल कंपनी मींस कंपनी मींस कंपनी मत लिखो मैं बता रहा हूं स्क्रीन पे देखो मींस अ कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन ट्वेंटी करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन टू करोड़ ये कहां पे लिखा मैंने ये मैंने लिखा कंपनीज एक्ट में मतलब जब आप एक्ट एक्ट खोलोगे बेर एक्ट खोलोगे आपको मान लो ये डेफिनेशन दिखता मान लो क्या डेफिनेशन मैडम स्मॉल एक बार जोर से पढ़ो क्या लिखा स्मॉल कंपनी एंड पेड अप लेस देन टू करोड़ ये कब बनाया मैंने कंपनी मान लो 2013 में बनाया अब 2013 से करते करते हम कहां पे आ गए 2023 में अब मेरे को लग रहा है यार ये दो करोड़ क्या होता है बीस करोड़ क्या होते हैं दो करोड़ तो कोई भी आजकल धंधे में ऐसे ही डालते हैं दो करोड़ कोई बड़ा लिमिट नहीं है भाई मेरे को इसको चेंज करके क्या करना चाहिए चार करोड़ और चालीस करोड़ ये मेरे को लग रहा है तो मेरे को जब ये लग रहा है तो मेरे को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को ये चेंज करने के लिए एक बिल बनाना पड़ेगा वो बिल में मैं क्या बो... अरे हाँ बिल बनाना पड़ेगा वो बिल में मैं क्या लिखूंगा कि भैया वो जो दो करोड़ है ना उसको अमेंड करके चार करोड़ कर देते हैं और जो बीस करोड़ है उसको अमेंड करके चालीस करोड़ कर देते हैं उसके बाद में क्या करूंगा बिल को लोकसभा लोकसभा को राज्यसभा राष्ट्रीय सभा के बाद प्रेसिडेंट और फिर ऑफिशियल गैजेट और जब ये ऑफिशियल गैजेट में आएगा तब जाके क्या होगा आपका लिमिट बढ़ के दो करोड़ और बीस करोड़ के जगह क्या हो गया चार, चार, चार करोड़ और चालीस करोड़।, करोड़ सर इंडिया का टाइम इसी के लिए क्या कि भैया लोकसभा राज्यसभा में दो करोड़ को बीस चार करोड़ कर रहे चार करोड़ को दो करोड़ कर रहे और प्रेसिडेंट बैठ के अप्रूव किया जा रहा है इज इट इज इट वर्थ एनी वन टाइम अरे लोकसभा राज्यसभा में छोटे छोटे लोग बैठे हैं क्या उनको देश चलाना है कि उनको स्मॉल कंपनी का टर्नओवर डिसाइड करना है नहीं ना तो इसीलिए इन्होंने क्या किया पता है इन्होंने लॉ में लिमिट लिखने की जगह क्या लिख दिया लिमिट लिखने के जगह लिखा टर्नओवर लेस देन एज मे बी प्रिस्क्राइब और नीचे क्या लिखा पेड अब शेयर कैपिटल लेस देन एज मे बी प्रिस्क्राइब सर ये प्रिस्क्राइब मतलब क्या प्रिस्क्राइब मतलब जो तुमको बताया जाएगा ये ये बताने का पावर पावर कौन रखता है हु हैज द टू प्रिस्क्राइब मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब का पावर होता है ना ये किसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा ही विल प्रिस्क्राइब द लिमिट्स कि भैया इतना लिमिट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया पहले पहले क्या प्रिस्क्राइब किया टर्न भैया बीस करोड़ से कम होना चाहिए पेड ऑफ शेयर कैपिटल दो करोड़ से कम होना चाहिए अब जब सरकार को सुनना प्लीज हेलो हेलो हेलो, अब जब सरकार को लगा कि ये दो करोड़ कम है बीस करोड़ कम है हमको चार करोड़ और चालीस करोड़ करना है तो कैसे करेगी सरकार वापस लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा क्या नहीं अब सरकार क्या करेगी अब सरकार कुछ नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालेगी कि हमने जो दो करोड़ और बीस करोड़ बोला था ना उसको हम चार करोड़ और चालीस करोड़ कर रहे तुम तुम फर्क समझे कितना बड़ा रूट को स्केप करके एक शॉर्टकट कर निकाल दिया बिकॉज इट वॉज नॉट नॉट दैट बिगस्ट बट सर सरकार इसको मिस तो कर सकती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट मिस कर सकती है कैसे जैसे तुमको पता है कि मोदी जी का और मुकेश अंबानी का कोई लेना देना नहीं है जैसे वैसे ही जैसे मोदी जी का और अडानी का कोई लेना देना नहीं है वैसे ही जैसे अंबानी का और अडानी का कोई लेना देना नहीं है ये तीनों आपस में इंडिविजुअली काम करते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं। समझ रहे हो ना तुम नहीं, नहीं करते हैं ठीक है ठीके? अब एक बात समझो आप अगर एक स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बना रहे हो तो स्मॉल कंपनी अलग से बनाने की जरूरत क्या है सर कंपनीज एक्ट में सर सुनना प्लीज कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी डिफाइन करने की जरूरत क्या है वट इज द नीड कैन एनी वन टेल मी बिकॉज छोटी कम हाँ बोलिए मैडम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम लगेंगे उनको फॉर्मेलिटीज कम करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि भैया अगर एक बार आप कंपनी होते हो ना कंपनी आपके लिए बतेरे कंप्लाइंसेस होते हैं बतेरे बैक टू बैक कंप्लाइंसेस होते हैं पर हमने बोला अभी कंपनी काम करेगी धंधा करेगी कि कंप्लायसेस करेगी तो हमने बोला एक काम करते हैं स्मॉल कंपनीज अलग से डिफाइन करते हैं उनको धंधा करने देते हैं उनके लिए कंप्लाइंसेस कम कर देंगे अब अगर अडानी का गौतम अडानी का मोदी जी को कॉल गया बोले क्या मोदी जी हमको स्मॉल कंपनी बनने गए तो मोदी जी ने पूछा कितना टर्न है बोले टर्न हमारा दस लाख करोड़ है बोले पेड ऑफ शेयर कैपिटल पेड ऑफ शेयर कैपिटल हमारा एक लाख करोड़ है किसने बोला ये ये अडानी ने बोला और मोदी जी हमको बनना ही है देखो आपका हमारा कोई रिश्ता है नहीं पर हम चाहते हैं हम हम जो है स्मॉल कंपनी बने अगले दिन मोदी जी ने लाया नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में बोले रीडिफाइनिंग द लिमिट स्मॉल कंपनी अ कंपनी हैविंग लेस देन मीनस लाख करोड़ पता नहीं चलना चाहिए ना क्यों 11 लाख करोड़ किया 10 कर देते तो पता चल जाता तो इन्होंने क्या डाला 11 लाख करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1.1 लाख करोड़ ताकि लोगों को समझना है क्या सर ये कर सकता था क्योंकि तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को तुमने पावर दिया एज मे बी प्रेस्क्राइब तुमने ये थोड़ी बोला भाई इतना बोलना इतना नहीं बोलना तुमने आज में भी प्रिस्क्राइब दे दिया तो समझ आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को मिस कर सकता है तो जब यह एक्ट गया अप्रूवल के लिए तो हमारे uh, राहुल जी राहुल गांधी जी जो थी उन्होंने क्या बोला ये तो मिस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी जी ने बोला रो मत मैं करता हूं क्या करता हूं इन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया और बोले टर्नओवर एज में बी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग मान लो यहां पे लिखा इन्होंने सौ करोड़ मतलब क्या तेरी जो मर्जी वो तू प्रिस्क्राइब करना पर सौ करोड़ के ऊपर मत जाना या अपर लिमिट लगाने की क्या जरूरत वरना हमको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मिसयूज करेगा अब जब तुमने एक रेंज दे दिया तो तुमको फर्क नहीं पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा मिस नहीं कर सकता और इस तरीके से आपका रूल्स बनता है क्या बनता है सर रूल्स अरे समझे क्या yes. बेटा डेमो नहीं है ये बेसिक्स है आपका एक बार हम समझ गए रूल्स क्या होते हैं एक बार हम समझ गए एक्ट्स क्या होते हैं दोबारा जिंदगी में कभी रिविजिट नहीं करोगे और तुमको बस ये समझ आना चाहिए रूल्स क्यों बनाया भाई क्यों हमने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया सेंट अब एक्ट बन गया रूल्स बन गया अब जो आपका लॉ होता है ना इसीलिए लॉ एक ब्रॉडर टर्म होता है क्योंकि लॉ मान लो ये लॉ है ये पूरा का पूरा मान लो क्या है लॉ तो उसके अंदर क्या आता है आपके एक्ट्स आते हैं आपके रूल्स आते हैं कुछ कुछ केसेस में रेगुलेशंस आते हैं रूल्स और रेगुलेश में क्या फर्क होता है ये अपन बाद में समझेंगे आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं है पर कुछ कुछ केसेस में केसेस में में आते आते हैं हैं आपके कुछ केस लॉज क्लास ऐसे करके जो बैठे जितने लोग मेरी बात सुन लो आज एक दो दिन चल जाएगा एक दो दिन तक तुम वो करो जो तुमको करना है पर मैं बता दे रहा हूं अगली बार से मेरे को क्लास में अगर आप एक्टिव नहीं दिखोगे तो मैं क्लास को दो हिस्से में बांट दूंगा कौन सा दो हिस्सा एक हिस्सा जो सुन रहा है पढ़ रहा है दूसरा हिस्सा जो नहीं सुन रहे नहीं पढ़ रहे और मैं जिम्मेदारी किसकी लूंगा जो सुन रहे तुम लोग क्लास में तुमको एफर्ट्स मैं तुमको देखो नाचने गाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे मैं नचनिया नहीं हूं यह मत सोचना कि पे मुन्नी बदनाम होगी शीला जवान होगी कुछ नहीं होगा यहाँ पे यहां पे सिर्फ पढ़ाई है लॉ है तुमने डिसाइड किया हमको सीए एंटर करना है तो तुम करोगे मेरा काम है तुमको कंटेंट देना एक चीज याद रखना जब कंटेंट हैवी होता है मस्ती कम होती है मैं तुमको अनुभव सिंह बस्सी का चार स्टैंड अप कॉमेडी का जोक ला के यहाँ पे मार सकता हूँ तुमको हंसी भी आएगी पर मैं तुमको हंसाने का ठेका लिया हूं नहीं मैं तुम्हारी नींद भगाने का ठेका लिया हूं नहीं मैं किस चीज के यहां पे आया हूं तुमको कंटेंट बताने दो तरह के बच्चे थे तुम लोग अभी सुन लो क्लास में तुम डिफाइन कर लो अपने आपको दो तरह के बच्चे थे अभी मैंने तुमको समझाया रूल्स कैसे बनता है देर वर टू वेज आई कुड हैव टॉट इट आई कुड हैव सेड एक्ट जो है वो ये प्रोसेस से आता है रूल्स जो है सी बनाते हैं मेरे को कोई जरूरत नहीं थी समझाने की रूल्स क्यों सी बनाते हैं बट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न फॉर योर लाइफ आर्टिकल पूछोगे ना भैया रूल्स क्या होते हैं सीजी बनाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना दिया दो तरह के बच्चे थे जिसने सुन लिया उसके मन में आया अरे वाह गुड दैट वॉज दी कॉन्सेप्ट गुड ही नोटेड दूसरा बच्चा था अरे अब यार रूल्स बताएगा ये करेगा तुम सो रहे हो खो रहे हो किसका नुकसान भाई तुम्हारा नुकसान तो है पर मेरी क्लास में मेरे को तुम अगर ऐसे बैठे हुए दिखोगे तो नुकसान किसका है मेरा अब मेरा काम था तुमको रूल समझाना आई कुड इफ आई मेक इट मोर इंटरेस्टिंग आई विल वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम वी हैव लिमिटेड टाइम टू फिनिश आवर होल सिलेबस द अप्रोच विल बी लाइक दिस इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट बट एट द सेम टाइम बीच में जो ह्यूमर आना है थोड़ा बहुत आएगा पर तुम अगर ये एक्सपेक्ट करोगे सर ठीक है तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम थोड़ा सा एक्टिव रहो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो ऐसा करके क्लास में बैठोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम नारा ना नोट्स बनेंगे घर जाके देखोगे पेज पलटाओगे बोले आज क्या पढ़े भाई तुम्हारा दिमाग जवाब दे देगा बोलेगा मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा तू तो सो रहा था तो मेरे को पढ़ने ही नहीं मिला तो ऐसी चीजें मत करो प्लीज एक दो दिन तो भी कर लो तुम चलता एक दो दिन कर लो ये टफरीबाजी उसके बाद तुमको पूरा स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा चलो सर मैंने क्या बताया आपको लॉ का और एक्ट का ब्रॉडर डिफरेंस बताया और तुमको मैंने क्या बताया एक्ट कैसे बनता है एक दो छोटा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा फिर अपन क्लास आज की खत्म करेंगे मेरी बात ध्यान से सुनना नहीं सर प्लीज अभी खत्म कर दो ना नहीं दो कॉन्सेप्ट और छोटा छोटा मेरी बात सुनो क्या तुमको किसी को पता है व्हाट इज अ प्रीएम्बल प्रिया नहीं भाई प्रीएम्बल प्रिया बोल के रुके प्रीएम्बल व्हाट इज अ प्रीएम्बल हां मतलब सर आपको अगर कोई ऐसा बोले कि अपने आप को एकदम एक लाइन में डिफाइन करो तो तुम बोलोगे मैं ये करता हूं जिसे मैंने अपना डेफिनेशन एक लाइन में दिया कि नहीं दस लाइन में दिया अभी तुमको एकदम को ऐसा बोले अपने आपको एक ही लाइन में डिफाइन करो तो जो एक लाइन में आप अपने आपको डिफाइन करते हो ना उसको हम क्या बोलते हैं प्रीएम्बल स्पेलिंग बताओ प्रीएम्बल का हा अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारी इंग्लिश इतनी गंदी है और फिर मैं मेहनत करके तुमको कहां तक लाऊंगा प्रीएम्बल तक लाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है थोड़ा तो थो भी ए एम का फर्क आगे पीछे का मैं समझ लूंगा लेकिन इतना गैप मत रखना प्रियम्बल क्या होता है सर प्रियम्बल मतलब समराइज इज योर सेल्फ इन वन लाइन तो तुम सोचो कंपनीज एक्ट का प्रियम्बल क्या होगा एनी थॉट्स अच्छा तुम मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट बना कब था ईयर याद है तुमको दो हजार तेरह पर यह क्या ताजा ताजा बना था नहीं कंपनीज एक्ट उसके पहले भी आ गया था इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सर उसके पहले था क्या कंपनीज एक्ट अरे उसके पहले इंडिपेंडेंस भी था क्या नहीं, नहीं। तो उसके पहले कंपनीज एक्ट था क्या हाँ कंपनीज एक्ट बना था 1913 में कब बना था 1913 में उसके बाद जो 1956 में आया ना वो एक्चुअली बहुत अमेंडेड और बहुत फ्रेश कंपनीज एक्ट था और जो 2013 में आया ना इट इज नॉट वेरी मच अमेंडेड एक 60-65 परसेंट कंटेंट अभी भी सिमिलर है बस क्या हुआ इतने साल में इतने अमेंडमेंट थे ना इतने अमेंडमेंट थे कि उन्होंने बोला भाई कितना इंसान अमेंडमेंट पड़ेगा उन्होंने मिला करके क्या बना दिया एक फ्रेश लॉ बना दिया तो कंपनीज एक्ट 2013 का अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे ना उसमें क्या लिखा है पता प्रियम्बल एन एक्ट मैडम नोट्स आपका लिख लिया प्रियम्बल लिखो लिखो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड दी लॉ रेगुलेटिंग लिख लो ऑनलाइन वाले तुमने सबसे ज्यादा तुमने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने हाथ में ली है वो है तुम्हारा डिसिप्लिन अगर तुम डिसिप्लिन माइनर में घर में पढ़ाई करोगे तो तो ठीक है फेस टू फेस वाले बच्चों को तो भी मैं संभाल लूंगा तुमको देखने वाला कोई नहीं है तुम अगर मेरे से बात नहीं करोगे तो तुम एकदम ही गायब हो जाओगे तो थोड़ा सा चैट पे एक्टिव रहो और जो मैं बोल रहा हूं वो लिख के मेरे को डन का मैसेज दो कि हाँ सर लिख लिया तो मेरे को पता चले दो चार बंदे जो एग्जिस्ट करते हैं रक्षित आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे राजा ठीक है सर आप समझे क्या लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलटिंग द कंपनीज मतलब सर ये एक्ट ये प्रियम्बल में इन्होंने ये नहीं लिखा एन एक्ट टू रेगुलेट कंपनीज नहीं नहीं भैया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लॉ तो ऑलरेडी बन रखा था ना हम तो क्या कर रहे हैं हम उनको कंसॉलिडेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनको अमेंड कर रहे हैं मतलब अपग्रेड कर रहे हैं तो दिस इज एन एक्ट टू कंसॉलीडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज अरे समझे क्या सर ये प्रियम्बल कौन सा सेक्शन है सेक्शन बन है क्या नहीं ये सर टाइटल है एकदम टाइटल है भैया प्रीएम्बल मतलब एकदम ऊपर अपने आप को एक लाइन में समझाओ हमने अपने आप को एक लाइन में समझा दिया अब सर आपका जो कंपनीज एक्ट है ना वो कैसे लिखा गया है आपके कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर लिखो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है कितने चैप्टर्स हैं 29 चैप्टर्स हैं क्योंकि आप समझो सर आप एक प्रैक्टिकली समझो जिस बंदे ने लॉ बनाया उसको लॉ लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर भी तो सोचना था ना क्या मैं रैंडमली जो मेरे मन में आएगा वो मैं लिखता जाऊंगा नहीं उसने कंपनीज एक्ट को इतना फ्लो में लिखा है सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पैसे कहां से लाती है पैसे लाने के बाद शेयर कैसे इशू करती है उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है इन्होंने एक फ्लो में लिखा है पूरा और ये जो फ्लो है ना इसको इन्होंने चैप्टर में डिवाइड किया है हर चैप्टर के अंदर क्या होते हैं सेक्शन तो टोटल कितने सेक्शन है फोर सेवेंटी सेक्शन नंबर में फोर सेवेंटी है पर काउंट करोगे तो कितने आ जाते हैं एक्चुअली फोर एटी फोर सेक्शन पर नंबर में कितने हैं फोर सेक्शंस सेक्शन और इसके बाद जब आपका कंपनी खत्म होता है ना तो उसके बाद आपके आते हैं सेवन शेड्यूल्स सेवन शेड्यूल्स सर ये शेड्यूल क्या होता है तुमने जो ये बचपन में अकाउंट्स के इतने सारे पी बनाए बैलेंस शीट बनाए इतनी सारी चीजें बनाई तुमको पता था बैलेंस शीट में पहले ऊपर ये लिखते हैं फिर नीचे ये लिखते हैं ये बोल कौन रहे ऊपर लिखना है नीचे लिखना है कौन बोल रहे ये आपका शेड्यूल अरे जोर से बोलो जय माता दी नहीं भाई तुम्हारा शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री क्या है जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो तुम घर में रात को मुंह में दही जमाए हो और जो ये तुम्हारा दही का बिजनेस है इसको घर पे छोड़ के आना या किसी और के हवाले करके आना ऐसे क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो थोड़ा बोलो क्या है जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका सेवेंथ शेड्यूल में जो

वो जो टेबल्स है ना वो क्या है वो आपके शेड्यूल है इस बुक के उसमें क्या है उसमें आप देखो सारे ओ आर का एस आर का प्राइवेट कंपनी का आई एफ एस सी कंपनी का सबका नोट सबको मिल गए ठीक है मिल जाएंगे ठीक है अभी तो तुमको जरूरत नहीं है वैसे नोट्स तो मैं सारा लिखवाने वाला हूं मैं तो खुद नोट्स नहीं खोल रहा हूं आपके सामने पर नोट्स की अभी जरूरत नहीं है मिल जाएंगे आपको पर आपके जो ये लास्ट में समरीज है इनको हम क्या बोलते हैं शेड्यूल्स तो वैसे ही कंपनीज आठ में आपके क्या बने हुए हैं शेड्यूल्स बने हुए हैं ये शेड्यूल्स आपको समराइज करके देते हैं या कोई वैल्यू एड प्रोवाइड करते हैं अब मेरी बात सुनो क्या आपको पता है ये जो फोर सेवेंटी सेक्शन होते हैं मान लो मेरे को एक सेक्शन लिखना था तो मैं सेक्शन का फ्लो कैसे रखूंगा मान लो मैंने सेक्शन लिखा सेक्शन नंबर 148 ठीक है अब तुमको पता है अगर मैंने स्क्रीन पर अपने में ये लिखू अच्छा तुम मेरे को ये बताओ तुमको सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज पता है किसको किसको पता है ठीक है मेरे को बताओ अगर मैंने लिखा वन फोर्टी एट वन इसका क्या मतलब है सेक्शन वन फोर्टी एट सबसेक्शन वन उसके आगे मैंने अगर लिख दिया ए और वन क्लॉज ए सब क्लॉज वन सर एक बार वन में फर्क देखना 148 फोर्टी एट यहां पर वन प्रॉपर नंबर है उसके बाद क्लॉज एल्फाबेट्स में है उसके बाद सब क्लॉज रोमन स्मॉल रोमन नंबर्स में है मतलब यहां पर वन टू थ्री इस तरीके से आएगा एक बात समझना अगर मैंने लिखा सेक्शन टू नहीं सेक्शन फोर सब सेक्शन पढ़ो एक बार मतलब सर जो ये है थ्री ये क्या हो गया सब सेक्शन और क्लॉज और सब क्लॉज मतलब सर ये ऐसा क्यों लिखा इन्होंने तुम एक बात समझो कोई भी चीज अगर मेरे को लिखना है कि अगर मैंने एक लाइन लिखा कोई भी लाइन मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल उसके बाद जब मैं उस लाइन को पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा तो मेरे को पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा उसको मैं मान लो चार पॉइंट्स में ब्रेक किया चार पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया चौथे पॉइंट्स में, में मेरे को और पॉइंट्स डालने तो मैं इसको और पॉइंट्स में डालूंगा अब तुम समझो कि अगर तुम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हो कोर्ट में तो केसेस होते हैं ना केसेस में बेर एक्ट का रेफरेंस होता है तो बेर एक्ट में तुम क्या बोलोगे साहब मेरे पेज के जो लास्ट सेकंड लाइन में जो ब्लू कलर में लिखा है वो वाला लॉ का रेफरेंस देखो तो बोलेगा नहीं nah, नहीं मेरे मेरे पास पास ये वाली बुक नहीं, मेरे पास दूसरी वाली बुक बुक दूसरी है दोनों मैच करते ऐसा तुम लॉ का रेफरेंस दोगे क्या नहीं तो एवरी लाइन इन लॉ हैड टू बी कोडेड तो इन्होंने कोड किस तरीके से किया सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज उसके अंदर भी और पॉइंट डालना है तो लोह ने बोला ठीक है बोले इतना नहीं हो पाएगा भाई फिर तो नेवर एंडिंग है फिर तो तू अलग सेक्शन लिख ले पर इसके अंदर और घुस करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है अब मेरे को एक बात बताओ ये तो आप समझ गए मैं आपको एक बार स्क्रीन पे मेरे बेराक दिखाता हूं ये देखो सर ये आपका इंडियन कोड करके एक वेबसाइट है मैं आपको दो वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा जिससे आप बेरैक्ट ताज़ा ताज़ा अपडेटेड चेक कर सकते हो उसमें से एक ये है जिसमें द कंपनीज एक्ट 2013 शुरुआत हुआ है इसमें यहां पे मैंने प्रीएम्बल पे क्लिक किया यहां पे देखो क्या लिखा हुआ एक लाइन जोर से पढ़ो इन एक्ट टू ये क्या हो गया ये हो गया आपका प्रियम्बल अब प्रियम्बल के बाद मैंने क्या बोला था ट्वेंटी नाइन चैप्टर है उसमें आप सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका हेडिंग देखो प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक्स बेसिक्स में कितने सेक्शन है सर सिर्फ दो पहला सेक्शन क्या है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी कुछ तो भी है उसके बाद सेक्शन टू है डेफिनेशन मैंने डेफिनेशन खोला सर सुनो प्लीज प्लीज मैं आपको अभी भी क्लॉज सब क्लॉज ही पढ़ा रहा हूं यहां पे जो मैं बताने वाला हूं ये तुमको नहीं पता है मेरी बात ध्यान से सुनना सेक्शन टू एनेशन डेफिनेशन में सबसे पहला लाइन क्या लिखा है इन दिस hmm, हाथ नीचे करना क्या तू फोटो खिंचा है क्या हाँ इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स कुछ तो भी इंग्लिश है पहला पॉइंट क्या है अब्रिज प्रोस्पेक्ट ये पहला पॉइंट है राइट right? तो ये सेक्शन टू का पहला पॉइंट है तो मैंने अगर स्क्रीन पे लिखा टू वन बस तो इसको कैसे रीड करोगे सेक्शन टू सेक्शन टू इसको रीड करोगे सेक्शन टू क्लॉज वन अगर मैंने स्क्रीन पे लिखा 285 तो इसको क्या रीड करोगे टू सेक्शन टू क्लॉज एटीफाइव सर क्या फिर की ले रहे हो अब भी आपने बोला कि ऊपर आपने बोला कि नंबर लिखे तो आपका नंबर सब सेक्शन होता है अगर क्लॉज लिखना भी था तो अल्फाबेट में होता ये क्या बकवास है बकवास है ये क्या बकवास है भाई क्या हो रही है तुम समझो आपको यह समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि सबसेक्शन में नंबरिंग हो यहां पर जब तुमने ऊपर क्या लिखा सेक्शन टू डेफिनेशन ये आपका सेक्शन हो गया ये जो पहला लाइन लिखा है इन दिस एक्ट अनलेस द अल्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स इसका क्या रेफरेंस है भाई ये क्या है ये आपका है, है, है? ये आपका सेक्शन सेक्शन है 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 सब क्लॉज जो लाइन एक एक लाइन को डिफाइन करना था ये लाइन क्या है सर ये लाइन टेक्निकली आपका सब सेक्शन बन गया और इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया आपका क्लॉज बन गया अब ये लाइन को नंबर क्यों नहीं दिया फिर अब इसको वन लिखेंगे तो किसी को टू भी तो लिखना पड़ेगा ना टू तो है ही नहीं हमारे पास एक ही पॉइंट था तो ये एक पॉइंट क्या बन गया आपका सब सेक्शन पर इसको नंबरिंग नहीं दे रखी है तो टेक्निकली सेक्शन टू सब सेक्शन में ये लाइन आ गया और क्लॉज में क्या हो गया ये आपका क्लॉज आ गया सिर्फ सेक्शन टू एक ही एक्सेप्शन है जहां पे ऐसा होता है एट अदर प्लेसेस यू विल नॉट फाइंड सच एक्सेप्शन बट यहां पे क्या है सेक्शन टू क्लॉज वन क्लॉज टू तो कोई टू एटी फाइव बोलेगा तो आप क्या बोलोगे टू क्लॉज एटी फाइव अरे समझे क्या यस और नो थोड़ा मन कम माना ना बोले हाँ अरे सर क्या इसको अगर तुमको क्लॉस करना ही था करते थे ढंग से लेकिन ए लिख देते ना हमारी लाइफ में कम से कम कंसिस्टेंसी और एक्सट्रीम होकर के तो रहता तो क्यों ऐसा किया सर तुमको क्या लग रहा है तुमको ऐसे तुम आओगे ऐसे तुमको समेट करके सब लॉ देगा बोलेगा अरे इतना ईजी तो है कर ले बाहर जा बोल रहे होंगे <laughs> ओके आया सर एक सेकेंड गए एक सेकेंड अरे बस, बस 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 सुनो तो तुम समझे में क्या बोल रहा था मैं तुमको बोल रहा था कि सेक्शन टू सबसेक्शन नहीं है सबसेक्शन ये लाइन है पर इसको नंबरिंग नहीं दी इन्होंने क्लॉज क्या कर दिया सीधा क्लॉज वन टू तो टू एटी फाइव क्या हो गया सेक्शन टू क्लॉज एटी फाइव पर अगर मैं तुमको बोलू थ्री फोर ये क्या हो गया सेक्शन थ्री सेक्शन फोर नॉर्मल है समझे yeah. मतलब आपका नॉर्मली ऐसे ही रहता है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज और सब क्लॉज बट एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन टू अब सर आपने देख तो लिया ही सेक्शन वन और सेक्शन टू क्या है आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन uh, है वो हम कल करेंगे कल की क्लास से प्लीज़ प्रॉपर नोट्स ले आना अभी तक जो तुमने पढ़ा प्रीएम्बल के अलावा तुमको कुछ भी आईसीआई मॉड्यूल में नहीं मिलेगा पर कल से हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो पूरा बेयर एक्ट से भी टैली होगा आईसीआई मॉड्यूल से भी टैली होगा और सारी चीज़ें मैच भी करेगी राइट right? तो आप लोगों ने अभी आ, यहां पे वेट करना है मेरी बात सुनो मैं नीचे जो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं प्लीज़ कहीं मत जाना मैं नीचे तुम लोगों के पास आ रहा हूं पर तुम जितने भी फेस टू फेस बच्चे हो अपेरेंटली नथिंग टू शो ऑफ अपेरेंटली तुमको पता है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किए वो अभी क्लास में नहीं बैठ पाए क्योंकि डेमो वाले बच्चे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है राजा जो भी डिसीजन तुमको लेना है आज लो जहां पे भी डिसीजन लेना है आज लो और क्लास को सेटल करो बिकॉज द क्लास वंस द क्लास सेटल्स वी कैन गिव आर फुल एनर्जी टू मे स्टार्ट मेकिंग नोट्स रीड बेर एक्ट एंड डू एवरीथिंग दैट वी आर सपोज टू डू डेमो डेमो मत करो जहां तुम डेमो डेमो कर रहे हो ना वहां पे एक बच्चा क्या कर रहा है उसने लॉ का आई आई काउंसलिंग में मैंने बहुत लोगों को बचाया बताया तीन चार दिन पहले एक बच्चे ने कॉल किया येट्स स्कोर थ्री थर्टी टू मार्क्स एंड फाउंडेशन

तेरे में ज्यादा के क्वेश्चन कराएगा हाँ ये छोड़ो ना तुम लोगों को मैंने क्या बोला है तुम लोगों को हर टीचर पढ़ाएगा उतना जितना तुमको रैंक लाने की ताकत हो ना ले आओगे पर अगर भगवान भी साक्षात आ जाए ना फेल होने की हरकतें हैं तो फेल होके ही जाओगे तो बदलना किसको है अपने को सो माई पॉइंट इज वॉट एवर इट इज जस्ट सेटल डाउन टूडे वी विल आई एम प्रोमिसिंग यू आई लेट प्रोमिस ऑफिशियली विल क्लोज एडमिशन टूडे नॉट टेक एनी मोर एडमिशन एटलीस्ट फॉर लॉ तो आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे क्योंकि मेरे को मेरी क्लास सेटल करके शुरू करना है क्योंकि समय पर शुरू करेंगे तो खत्म होगा खत्म होगा तो तुमको स्टडी लीव मिलेगी तब ना कुछ उखाड़ोगे भाई पढ़ने का समय नहीं देंगे तो क्या करोगे तो प्लीज बी रेस्ट श्योर विल क्लोज द एडमिशन ऑनलाइन वाले बच्चे मैं तुम लोगों से जूम सेशन लेकर के कनेक्ट करूंगा पर नीचे जो फेस टू फेस बैठे हैं मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ और तुम लोग जो क्लास में बैठे हो यहीं बैठे रहो क्योंकि अभी डायरेक्ट टैक्स के लिए सर आ रहे हैं तुम लोगों को पता है कि डायरेक्ट टैक्स का बैच इस बार हंड्रेड परसेंट फेस टू फेस होने वाला है तो थोड़ी देर में सर आके आपसे मिलेंगे मैं भी आपसे उस क्लास में आके मिलता हूं पर तब तक मैं नीचे मिलकर आता हूं ठीक है अरे ओके okay? yes, मजा आया क्लास में yes, तो मेरी बात सुनो नीचे भी जो बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन भी जो तुम लोग सब मेरे पीछे तीन चीजें रिपीट करोगे जो आज से तुम्हारा रोज की चीज होगी जो तुम रिपीट करोगे थ्री थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली आपको अगर इंटर क्लियर करने तीन चीजें पहला मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा तो मेरे पीछे रिपीट करो आई विल स्टडी विथ इंटरेस्ट सेक्योर एग्जामेशन इन लॉ इसका मतलब क्या मन लगा के पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छे मार्क्स भी आएंगे दूसरा सर आपको है दस परसेंट रिजल्ट है दस परसेंट रिजल्ट है मतलब क्या मैं अगर बाकी नब्बे बच्चों से अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं दस परसेंट में आ गया तो रिपीट द सेकेंड थिंग आफ्टर मी आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरी वन एल्स तो दिल से आने दो दिल से आने दो फील लो दस परसेंट में आना है आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरी वन एल्स एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने पूरी जान लगाओगे तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो रिपीट आफ्टर मी आई विल गिव माई टू हंड्रेड परसेंट इन दिस अटेम्प्ट जोर से आई विल गिव माई टू हंड्रेड परसेंट इन दिस अटेम्प्ट करोगे ना yes, पक्का yes, चलो ठीक है कल की क्लास में मिलते हैं आई होप यू एंजॉय गाइस टेक केयर बाय बोलो बच्चों बाय एक सेकेंड रुक जाओ और नीचे वाले बच्चे रुक जाओ मैं आ रहा हूं तुम लोग बैठे रहो यहीं पर मैं मिलता हूं तुमसे